एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम आर्यन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बताती है कि वो अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन हाल ही की लाइफ में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और अपने डेली लाइफ के लिए भी उसे बहुत ही स्ट्रगल करना था। वो एक गेम को डेवलप कर रही थी और उसके लिए उसे इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो कई सारे लोगों से मिलकर इन्वेस्टिंग की बात करती थी, लेकिन उसका कहीं पे भी काम सही से नहीं बन रहा था। एक दिन उसे उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और वो घर खाली करने के लिए भी कहता है, लेकिन आर्यन ने दूसरा घर ढूंढ के रखा था और वो दूसरे लैंडलॉर्ड से बात कर लेती है कि वो कल ही मूव इन करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि एक रेडियो होस्ट था जो रात के 11 बजे अपना एक शो चलाता था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। आर्यन भी उसका एक दिन शो सुन रही थी। अब यहाँ पे यान अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था, तभी उसकी मदर का उसे कॉल आता है जो कि बताती है कि कल ही हमारे घर में एक टेनेंट शिफ्ट करने वाली है, वो सिंगल है इसीलिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, जिस पर यान भी हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यन उठती है, उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं और तभी उसके सामने यान आके खड़ा होता है और उसे सीनियर कहता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे आर्यन ने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया होता है, लेकिन जो मूवर्स थे वो प्राइस बढ़ा रहे थे और आर्यन ज्यादा पैसे नहीं देना चाहती थी, जिससे उनकी बहस होने लगती है। तभी यान वहाँ से निकलता है और ये सब देख लेता है, इसलिए वो सामने आके आर्यन के पैसे भर देता है। आर्यन उसे कहती है कि तुम मेरे पैसे क्यों दे रहे हो, मैं खुद पे कर सकती हूँ, वैसे भी वो मूवर ज्यादा पैसे मांग रहा था, जिस पे यान कहता है कि मैं रेंट में से वो पैसे बढ़ा दूंगा। आर्यन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जिससे यान गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। आर्यन थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, फिर वो यान से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर यान मना करता है और वहां से चला जाता है। अब यान अपने रूम में था और वो आर्यन के बारे में ही सोच रहा था, फिर वो आर्यन के घर पे जाता है, आर्यन उसे अंदर आने के लिए कहती है। यान उसे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट देता है और साइन करने को कहता है। आर्यन के पास आज पैसे नहीं थे, इसीलिए वो यान से बात करने लगती है और कहती है कि तुम और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में थे, जहाँ पे यान उससे पूछता है कि तुम्हें मैं याद हूँ, तो आर्यन कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी मदर ने बताया कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यान समझता है कि आर्यन के पास आज पैसे नहीं है, इसीलिए वो बातें पलट रही है, जिससे यान उसे कहता है कि कल पैसे दे देना, तो वो हाँ करती है। फिर आर्यन कहती है कि आज हमारे कॉलेज का गेट टुगेदर है तो तुम उसमें आने वाले हो, जिस पर वो हाँ करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और अपने फ्रेंड को फोन करके कहता है कि वो गेट टुगेदर में आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में सभी लोग आ गए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तभी वहाँ पे आर्यन की एंट्री होती है, जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के रखे थे। फिर वो सबके पास जाती है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, सब उससे बात करते हैं। वहाँ पे लान भी थी जो आर्यन से अपने पास बात करने को कहती है। लान दरअसल में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर थी, इसीलिए आर्यन आज यहाँ पे आई थी ताकि वो लान से बात करके उससे इन्वेस्टमेंट करवा सके। तभी वहाँ पे यान भी आता है जो कि आर्यन को ही देखता है। वो देखता है कि आर्यन और लान बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब आर्यन अपने गेम के बारे में मिस लान को बता रही थी तभी उसे यान का मैसेज भी आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर लान पूछती है कि तुम इतना अच्छा बॉयफ्रेंड का गेम डेवलप कर रही हो तो तुम्हारा खुद का भी तो बॉयफ्रेंड होगा ना, जिस पे आर्यन थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ पे यान आ जाता है और उससे कहता है कि तुम भला मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। उसे देख के सभी कंफ्यूज होते हैं, जिससे आर्यन यान के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बिना थोड़ी भी देर नहीं रह सकते। फिर वो सबको बताती है कि यान उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। सब कहते हैं कि देखने में तो यान तुमसे छोटा लग रहा है, लेकिन वो कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, और ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ती है। यान भी उसके साथ देने को अग्री होता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि सच में आर्यन मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे लान उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर आर्यन यान को लेकर साइड में जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कल पैसे दे दूंगी। यान कहता है कि तुम्हारे कपड़ों का प्राइस टैग दिख रहा है। आर्यन कहती कि ये कपड़े मेरे नहीं है, दरअसल में मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ही आई थी और मुझे पता था कि महंगे कपड़े पहनने से सब पे फर्क पड़ेगा। यान यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। अब फिर जब वो लान के पास जाती है तो वहाँ पे वोंग भी आया हुआ था जो जिसकी बहुत ही बड़ी कंपनी थी। फिर वो आर्यन से पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो, लेकिन पता चलता है कि आर्यन बहुत ही छोटी सी कंपनी में काम करती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए अब लान भी उसे इग्नोर करने लगती है। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करती है तो लान कहती है कि हम काम की बातें कभी बाद में कर लेंगे, आज हम यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने के लिए आए, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। आर्यन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है, जिससे सभी उसे देखने
लगते हैं। तभी उसे बचाने के लिए यान आने वाला था, लेकिन मैंग आके उसे उठा लेती है और सबसे कहती है कि तुम लोग भी गिरते हो, इस तरह सबको देखने की जरूरत नहीं है, और आरन को वहाँ से वॉशरूम में ले जाती है। अंदर आके आरन देखती है कि उसके सारे कपड़े भी फट चुके हैं, जिससे मैंग उसे कहती है कि जल्दी से अपनी चोट पर भी दवाई लगा लेना। दरअसल में आरन एंड मैंग कॉलेज के टाइम से ही फ्रेंड थे। मैंग अब एक पेंटर थी और वो कई टाइम से पेरिस में रह रही थी। आरन उसे अपनी सारी सिचुएशन बता देती है। मैंग उसे कहती है कि चलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अच्छा है। आरन कहती है कि वो मेरा रियल बॉयफ्रेंड भी नहीं है, हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। आरन फिर अपनी कंपनी के बारे में बताती है। मैंग कहती है कि वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आई है। आरन उसे कहती है कि तुम मेरी कंपनी में काम करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैंग उसे कहती है कि अभी तो मुझे डेट पे जाना है, जिससे आरन उसे कहती है कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं। फिर मैंग वहाँ से चली जाती है। अब आरन जब जा रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, जिससे वो स्टोर में जाकर ड्रिंक करने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है एंड सबके फोटोज भी देखती है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और उसे ऐसे देख लेता है। आरन खड़े होने जाती है लेकिन वो फिर से गिर जाती है। यान भी ये सब देखता है। अब आरन खुद की सिचुएशन पर रोने लगती है। तभी यान उसके पास आता है और उसे स्लीपर्स पहनने के लिए देता है। आरन उसे थैंक यू कहती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो तो मैं तुम्हें ड्रिंक तो पिलवा सकती हूँ। फिर जब वो ड्रिंक लेने जाती है तो वो देखती है कि उसके पास पैसे नहीं है, जिससे यान पैसे देता है। आरन उसके पास बैठती है और यान से कहती है कि तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो, तो यान कुछ नहीं कहता। आरन बहुत देर तक बातें करती है एंड देन फिर वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यान उसे घर लेके जाता है। अब वो ड्रंक थी इसलिए उसे घर का पासवर्ड भी नहीं पता था, इसलिए वो लॉक नहीं खोल पाते हैं। वो बेहोश जैसे होने लगती है तो यान उसे अपने घर ले जाता है। आरन यान के घर जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिससे यान भी कंफ्यूज होता है। फिर आरन बाहर जाती है जहाँ पे यान उसे बैंडेड देता है, तो वो बैंडेड लगाती है और फिर वो कहती है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। फिर वो रेलिंग के पास जाती है और कहती है कि सब कहते हैं कि इस सिटी में ड्रीम कंप्लीट होते हैं, लेकिन मेरा तो एक भी ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। फिर वो यान की तरफ देखती है, फिर वो गिरने वाली होती है तो यान उसे बचा लेता है, लेकिन तभी दोनों जन गिर जाते हैं एंड रेलिंग टूट जाती है और देखते ही देखते दोनों के किस भी हो जाती है, जिससे यान कंफ्यूज होता है। तभी यान को याद आता है कि कॉलेज में कैसे वो एंड आरन एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब आरन पता नहीं क्यों उसे पहचान नहीं पा रही है। फिर आरन उठती है और यान को फिर से किस करती है। इस बार यान को भी अच्छा लगता है। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तभी आरन को वॉमिट हो जाती है, जिससे यान बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है। फिर यान उसे अंदर जाके लिटा देता है और घर की क्लीनिंग करता है। काम करने के बाद यान अपने रूम में जाके सोने वाला होता है, तभी आरन आती है और उसके पास ही सो जाती है, जिससे यान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब आरन सो रही थी तो उसे फिर से वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे यान उसका पूरा ही घर क्लीन करता है। अब ऐसे ही काम करते करते यान को मॉर्निंग हो जाती है। तभी आरन की भी आँख खुलती है तो यान उसके पास आता है और यहीं से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यान फिर उसे कहता है कि तुमने कल रात को मेरे पूरे घर में वॉमिट करी है, जिससे आरन उसे सॉरी कहती है। फिर यान उसे बाहर लेके जाता है और बताता है कि उसने घर में कितना ही नुकसान किया है और उन सबके पैसे भी मांगता है। आरन कहती है कि ऐसा मत करो और उसे मिस्टर लैंडलॉर्ड कहती है, जिस पे यान कहता है कि मेरा एक नाम है और मेरा नाम यान है, जिस पर वो हाँ करती है। अब अगले सीन में आरन अपने घर चली जाती है। यान भी अपने बालकनी में से बैठ के उसे देखने की कोशिश करता है। आरन याद करती है कि कल रात को उसने कितनी एम्बैरेसिंग हरकत करी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होकर अपने घर में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम आरन को देखते हैं, जो कि बताती है कि कॉलेज के बाद उसने खुद की कंपनी स्टार्ट करी थी और उसका सपना ये था कि वो बहुत अच्छे गेम डेवलप करे। उसकी टीम में पहले बहुत सारे लोग थे, फिर धीमे धीमे करके उसकी टीम कम होती गई, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ना पैसे होने के बावजूद उसने खुद की एक टीम क्रिएट करी और एक ऑफिस बनाया, जहाँ पे उसके साथ अभी कई सारे लोग काम करते हैं और सभी उसके साथ काम करके बहुत ही खुश हैं, क्योंकि सबका सपना यही है कि उन्हें भी गेम डेवलप करने हैं। अब आरन ऑफिस में आके सबको बताती है कि आज हमारी कंपनी में इन्वेस्टर आने वाली हैं, इसीलिए सबको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तभी हम हु को देखते हैं, उसके साथ उसकी मदर आई हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी ऑफिस की स्पेस हु की मदर ने ही दी हुई है। तभी आरन उन्हें वेलकम करने आती है। जब वो अंदर आती है तो सभी एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं। हु की मदर सभी चीजें देखती है और वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर हु एंड आरन हु की मदर के साथ बैठते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत सारे प्लान्स क्रिएट करे हैं और कैसे वो कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट करवाएंगे। जहाँ पर इजाबेला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो, क्योंकि पिछले 5 साल से तुम इसी कंपनी को चला रहे हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। आरन समझाती है कि हमारे ड्रीम बहुत ही बड़े हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। जहाँ पर इजाबेला कहती है कि ड्रीम अगर तुम्हारे इतने बड़े हैं तो फिर तो तुम रेंट भी कर सकते हो, इसलिए नेक्स्ट मंथ से तुम दोनों को रेंट भी पे करना पड़ेगा, जिससे हु एंड आरन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं।
फिर इजाबेला वहां से चली जाती है। तभी वहां पर आरन को वांग का कॉल आता है जो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड था और वो उससे अपनी कंपनी में बुलाता है। आरन ये बात हू को बताती है और कहती है कि हम कैसे भी करके अपना सपना पूरा करके रहेंगे, जिस पे हू भी अग्री करता है। रात को आरन घर जाती है और वो बहुत ही थक गई होती है। वहीं पर हम यान को देखते हैं जो कि आरन के पास जाने का सोच रहा था और ये प्रैक्टिस करता है कि वो उससे बात कैसे करेगा। आरन अपनी बालकनी में आती है और वो जियान शांग का पॉडकास्ट सुनने लगती है और बहुत ही खुश होती है। जियान जब ये सुनता है तो वो गुस्सा होके उसके पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम इतनी आवाज में कुछ भी नहीं सुन सकती हो, मैं तुम्हारा नेबर हूँ और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आरन आवाज कम करने का कहती है, फिर भी जियान गुस्सा करके वहां से चला जाता है जिससे वो कन्फ्यूज होती है। उसके बाद आरन हू से मिलने जाती है। हू से बताता है कि तुम भले ही वांग से पैसे ले लो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वांग हमारी कंपनी के लिए सही रहेगा। आरन कहती है कि अभी हमें यही करना बेस्ट रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले एक बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट ढूंढना होगा, जिसके लिए हू अग्री करता है। नेक्स्ट डे आरन ऑफिस के लिए आ रही थी तभी उसे हू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने एक वॉइस आर्टिस्ट ढूंढ लिया है जो हमारी कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार है और उसका नाम हीशा है। वो कहती है कि इसका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन हू बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और तुम भी उससे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उससे बात करने के बाद आरन एक कार में खुद का मुंह देखती है और कहती है पता नहीं ये हीशा कैसा होगा और वहां से चली जाती है। उस कार के अंदर यान बैठा हुआ था। आरन ऑफिस में जाती है जहां पर वो सबसे मिलती है। फिर हान उससे बताता है कि हीशा आ चुका, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। जब आरन हीशा से मिलती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यान होता है। आरन पूछती है कि तुम हीशा कैसे हो सकते हो। यान कहता है कि मैं क्यों नहीं हो सकता। हू बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसका पॉडकास्ट सभी सुनते हैं, जिससे आरन तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। उसके बाद आरन उसे देखती है और कंफ्यूज होती है। फिर वो हू से कहती है कि तुम इसे यहाँ ऐसे कैसे बुला सकते हो, जिस पर हू कहता है कि वो बहुत ही फेमस है। आरन कहती है कि यही मेरा नेबर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जिस पर हू कहता है कि फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम उससे बात करो तो वो हमारी कंपनी में काम करने के लिए अग्री होगा। आरन अभी भी कंफ्यूज थी तो हू उसे बताता है कि यान उनकी कंपनी से कोई पैसे भी नहीं ले रहा है, जिससे तो आरन बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है और उसके साथ काम करने को अग्री हो जाती है। तभी यान उन्हें अंदर बुलाता है। जब अंदर जाते हैं तो यान कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। आरन यान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ही खुश हूँ। यान कहता है कि तुमने मेरे शो के बारे में तो सुना होगा ना, जिस पर आरन हाँ करती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती है, जिससे उससे समझ आ जाता है कि आरन को उसके शो के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी भी आरन इंसिस्ट करती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ और मुझे पता है कि तुमने अपना नाम हीशा क्यों रखा है, जिससे आरन पूछता है कि क्यों। वो बताती है कि तुम्हारा नाम स्टार लवर्स में से आया है जो कि बहुत ही बड़ी कॉमिक है और उसके नाइट का नाम हीशा होता है। यान थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि आरन को अभी भी वो याद नहीं था। फिर उसके बाद हू एंड आरन बाहर जाते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद यान कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हूं, क्योंकि तुमने जो डायलॉग लिखे हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे हैं। आरन कहती है कि हम डायलॉग चेंज करने के लिए तैयार हैं और सभी यान को मनाने लगते हैं कि वो काम करे, जिस पर यान कहता है तो तुम्हें मेरा रियल में फैन बनना होगा, जिसके लिए आरन हाँ करती है, जिससे यान खुश होता है। अब ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है और सब जाने लगते हैं। आरन कैब बुलाती है लेकिन कैब नहीं आती है, जिससे वो हू को कॉल करके उसे लेने आने को कहती है। जब वो बाहर जाती है तो हू की जगह पे वहाँ पे यान आया हुआ था, जिससे वो कंफ्यूज होती है। यान उसे अंदर आने को कहता है। लाइटनिंग की वजह से वो डरती है और अंदर आ जाती है। वो यान से कहती है कि तुम मुझे लेने कैसे आ गए, तो वो बताता है कि हू जा चुका है। अब वो यान से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है लेकिन यान उसे इग्नोर करता है और अपने कार चलाने में ही इंटरेस्ट दिखाता है। फिर यान उसे पूछता है कि तुम्हें याद है कि कल रात को क्या हुआ था, जहाँ पर आरन कहती है कि मुझे ये याद है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक्स पिलाई थी, जिस पर यान कहता है कि उसके सिवा तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो वो मना कर देती है, जिससे यान थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। अब नेक्स्ट सीन में आरन घर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। तभी उसे हू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल सुबह तुम्हें डबिंग के लिए जाना है और तुम्हें अपने साथ यान को भी लेके जाना होगा, और साथ ही वो उसे यान का शो सुनने के लिए भी कहता है। वो यान का शो ओपन करती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि यान के तो बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन उसे यान का पॉडकास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसे बहुत ही बोरिंग लगता है। उसके बाद वो यान के घर जाती है और उसे कहती है कि कल हमें डबिंग के लिए जाना है। यान उसे कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं किया है। आरन कहती है कि प्लीज हाँ कर दो, हमें तुम्हारे साथ काम करना है। उसकी ऐसी हरकतें देख के यान पूछता है कि तुम हम दोनों में से छोटा कौन है। आरन कहती है कि मैं। यान हंसता है और उसे वहां से जाने को कह देता है और अंदर आके फिर से हंसता है। फिर वो रात को ईयरप्लग लगाता है और आरन की हरकतें याद करता है। फिर वो सोने चला जाता है। यहाँ पे हम आरन को देखते हैं जो कि नेट पर
पड़ती है कि हान का फेवरेट खाना कौन सा है। फिर वो उसके लिए रात भर जग के डम्पलिंग्स बनाती है। यहाँ पे यान सो रहा था तभी उसे सपना आता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स की लड़ाई होती थी और उसके फादर उसकी मदर को मारते थे और इस वजह से उसकी मदर हमेशा उसके कान में ईयरप्लग लगा के उसे सुला दिया करती थी। अब ऐसे ही डर के उसकी मॉर्निंग हो जाती है। दरवाजा नॉक होता है, वो बाहर जाके खोलता है तो आरन आई हुई थी जो कहती है कि मैंने नेट पे पढ़ा कि तुम्हें डम्पलिंग्स पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बना के लाई हूँ। फिर वो उसे डम्पलिंग्स देती है। यान डम्पलिंग लेके दरवाजा बंद कर देता है। आरन उसे कहती है कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा नीचे वेट करूंगी। उसके बाद यान डम्पलिंग्स खाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तीखी थी। जब यान नीचे जाता है तो आरन उसका वेट कर रही थी। यान कार चलाने की कोशिश करता है लेकिन आरन उसके हाथ से चाबी ले लेती है और कहती है कि आज मैं ड्राइव करूंगी। उसके बाद यान उसके पास जाके बैठ जाता है और ईयरप्लग लगाने लगता है लेकिन आरन मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम मुझसे बात करो। उसके बाद आरन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन यान उससे बात नहीं करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरन को लगता है कि वो सो गया है जिससे वो उसे नेक पिलो पहना देती है और कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। उसके बाद वो कार चलाने लगती है। यान ये सब कुछ सुन के स्माइल करता है। अब कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस की जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे आरन यान को उठाती है। यान कंफ्यूज होता है कि आज वो ईयरप्लग लगाए बिना कैसे सो गया है। अब उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे नान ऑलरेडी उन दोनों का वेट कर रहा था। नान यान का असिस्टेंट था। फिर वो आरन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यान आज इतनी जल्दी सुबह डबिंग के लिए आ चुका है, उसने मेरे लिए तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी जाओ, जियांग शान का डबिंग का सेशन कंप्लीट हो गया है, वो भी निकलने वाला होगा। उसका नाम सुनते ही आरन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिससे यान उससे पूछता है कि तुम मेरी फैन हो या जियांग की। आरन कहती है कि मैं दोनों की फैन हो सकती हूँ। यान कहता है कि तुम सिर्फ मेरी फैन हो, जिस पर वो हाँ करती है। तभी वहां पर जियांग आता है। जियांग आकर खुद को आरन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन यान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उन दोनों को बात नहीं करने देता है। जिसके बाद जियांग वहां से चला जाता है तो आरन उसे खड़े हुए देखती है। फिर यान आरन को अंदर चलने को कहता है। अब यान रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन उसका गला सही से साफ नहीं था, जिससे वो कहता है कि किसी ने मुझे रात को सही से सोने नहीं दिया, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सही नहीं कर पाया। लेकिन वहां पर बैठा हुआ पर्सन कहता है कि यान ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है इसलिए उसकी आवाज सही से नहीं निकल रही है। जिससे आरन उसके पास जाती है और उसे कैंडी खाने के लिए देती है। जिससे वो पर्सन मना करता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मीठा नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी यान उसकी कैंडी ले लेता है। फिर वो बहुत ही अच्छे से डबिंग करता है जिससे आरन तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। डबिंग करने के बाद जब नान देखता है कि यान ने इतनी अच्छी डबिंग करी है तो वो कहता है कि मेरे साथ तो तुमने ऐसा काम कभी नहीं किया। दोनों की बातें सुनकर यान भी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम आरन को देखते हैं जो कि घर पे जियांग शान का पॉडकास्ट सुन रही थी। तभी उसे हु का कॉल आता है जो बताता है कि यान ने डबिंग बहुत ही अच्छी करी है लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो गया कि तुम यान का पॉडकास्ट सुनो, जिस पर वो हाँ करती है और उसका पॉडकास्ट सुनने लगती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि आरन को ही सर्च कर रहा था कि कॉलेज के टाइम पे वो कैसी थी। एक फोटो में वो अपसेट दिख रही थी जिससे वो सोचता है कि क्या अभी उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। फिर वो उसके वीचैट के मूवमेंट्स पे जाता है जहाँ पे वो उसकी फ्रेंड्स की बातें देखता है और उसे पता चलता है कि आरन अभी भी सिंगल है, जिससे वो खुश हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आरन ने बुक में लिखा था कि तुम्हें प्रिंसेस का प्रिंस बनना है या नाइट बनना है, जिसका जवाब यान ने दिया था कि मुझे नाइट बनना है क्योंकि नाइट ने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया था। तभी उसे जियांग शान का फोन आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वॉइस आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए तुम्हें स्टेज का कौन सा नाम चाहिए, जिस पर यान अपना नाम हेशा बताता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख और यान बताता है कि आरन सबके सामने तो बहुत टफ होने का नाटक करती है लेकिन जब वो अकेली होती है तो वो बहुत ही फ्रजाइल है और उसे भी सपोर्ट की जरूरत होती है लेकिन वो कभी भी किसी से सपोर्ट नहीं मांगती है। यहाँ आरन बैठ के जब अपना काम कर रही थी तभी उसे यान के घर से किसी म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो यान के घर जाती है और उससे पूछती है कि ये सॉन्ग कौन सा है। यान कहता है कि ये सॉन्ग मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ, जिस पे आरन कहती है कि क्या तुम ये हमें गेम के लिए दे सकते हो। जिससे यान हंसता है और उसे मना करके वहां से जाने को कह देता है। जिससे आरन घर के अंदर आने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जिससे यान उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आके स्माइल करता है। अब रात भर यान बैठ के उसी गाने पे काम करता है। सुबह जब आरन उठती है तो वो देखती है कि यान ने उसे वो सॉन्ग भेज दिया है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आरन जब ऑफिस जा रही थी तभी यान उसके पास आता है और उसे कार में बैठने को कहता है। आरन कहती है कि रोज रोज मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री की राइड ले रही हूँ। जिस पे यान कहता है कि रोज तो साथ में जाती हो तो आज क्या हो जाएगा। जिससे आरन उसके साथ बैठ जाती है। जब दोनों कार में थे तो आरन यान से कहती है कि तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो। यान कहता है कि मैं बात तो कर रहा हूँ। फिर यान उससे कहता है कि मैं मॉर्निंग में कोई भी डबिंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब से मॉर्निंग का शेड्यूल मत रखना। आरन कहती है कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। फिर यान कहता है कि मेरा लेट नाइट तक शो चलता है। आरन
आरन कहती है कि तुम्हें अपना शो का टाइम चेंज कर देना चाहिए, मैं रात भर तुम्हारा शो सुनती हूँ फिर मुझे जल्दी उठना होता है, तुम देखो मुझे कितने ही डार्क सर्कल हो गए, प्लीज तुम अपना टाइम चेंज कर दो। जिससे यान स्माइल करता है, लेकिन तभी आरन के मुंह से जियांगशान का नाम निकल जाता है, जिससे तो यान गुस्सा होता है। फिर आरन उससे बात करने की कोशिश करती रहती है लेकिन यान कुछ कहता ही नहीं है। अगले सीन में आरन ऑफिस में जाती है और सबसे मिलती है, तभी वो हू के पास जाती है तो हू उससे बताता है कि वो इजाबेला से मिलने जा रहा है और उससे वापस से इन्वेस्टिंग की बात करेगा, जिससे आरन खुश हो जाती है। उसके बाद हू अपने मदर के पास जाता है और उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। पास ही की सीट पर मैंग भी बैठी हुई थी, जहाँ पर वो देखती है कि यू एक ओल्डर वुमन के साथ बैठ के बहुत ही प्यार से बात कर रहा है और पैसे लेने की बात कर रहा है, जिससे उसे लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है और हू उससे पैसे लूटना चाहता है। इसीलिए वो जानबूझ के उनकी बात में बीच में बोल बोल करती है और कहती है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। इजाबेला भी मैंग की बात सुनती है और यू से कहती है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं दूंगी, इसलिए अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें खुद ही पैसों का अरेंजमेंट करना होगा, और ऐसा कह के वहां से चली जाती है, जिससे यू मैंग पे गुस्सा करता है। कुछ देर बाद मैंग का डेट भी वहां आ जाता है, दोनों बातें करते हैं, लेकिन यू मैंग से गुस्सा था इसलिए वो जान पूछ के उसकी डेट खराब कर देता है और कहता है कि मैंग तो प्रेग्नेंट है, जिससे वो लड़का गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में मैंग आरन के पास जाती है और उसे बताती है कि आज किसी लड़के ने उसकी डेट खराब कर दी। दोनों बातें करते हैं, जहां पे आरन कहती है कि हमारी कंपनी में तुम्हारी जरूरत है, तुम वहां पे काम के लिए आ सकती हो, लेकिन मैंग कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं अभी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूं, मुझे भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। आरन कहती है कि हमारी कंपनी तुम्हें अच्छे से पे भी करेगी, लेकिन इस चीज से मैंग अभी भी खुश नहीं थी। जिस पे आरन कहती है कि हमारे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही हैंडसम और बहुत ही रिच है, अगर तुम हमारी कंपनी में आओगी तो मैं तुम्हें उसके साथ डेट पर भेजूंगी, जिससे मैंग थोड़ी सी इंटरेस्टेड होती है। उसके बाद आरन वहां से चली जाती है। रात को आरन घर जाती है और यान का पॉडकास्ट सुनती है, जिसमें वो कहता है कि मैं पॉडकास्ट का टाइम 10 बजे से रखना चाहता हूं, ताकि लोग अच्छे से सो सके और जो भी इस चीज के लिए अग्री करते हैं वो वोट कर सकते हैं। जिसके बाद आरन यान को मैसेज करती है, तो यान उससे कहता है कि तुम भी मेन चैनल पे जाकर वोट करो, मुझे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, जिस पर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट डे आरन यान को लेके मिस्टर वोंग से मिलने जाने का कहती है। यान कहता है कि मेरे जाने की क्या जरूरत है, जिस पर आरन कहती है कि उसे भी तुमसे मिलना है। दोनों जब मिस्टर वोंग के ऑफिस पहुंचते हैं तो यान नोटिस करता है कि मिस्टर वोंग जानबूझ के आरन को खराब तरीके से टच कर रहा है, जिससे आरन भी अनकंफर्टेबल होती है। तो यान बीच में आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर आरन इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये हिशा है। वो बताती है कि हमारे गेम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में हिशा ने ही आवाज दी है, जिससे वो इम्प्रेस होता है। उसके बाद वो जिन से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि ये प्लानर है। फिर सब बैठते हैं और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के बारे में जिन प्रेजेंटेशन देती है, जहां पे यान नोटिस करता है कि वोंग अभी भी आरन के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन आरन उससे दूर जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद आरन मिस्टर वोंग से पेमेंट की बात करती है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनके पेमेंट दिलवा देना, जिस पर वो हाँ करती है। उसके बाद यान आरन के पास जाता है और उसे वहां से लेके जाने लगता है, लेकिन वोंग उन्हें रोकता है और कहता है कि हमारी कंपनी एक न्यू गेम डेवलप कर रही है, जिसका नाम ट्रेजर पेविलियन है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी इसको मैनेज करे, क्योंकि तुम्हारी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिस पर आरन हाँ करती है। फिर वो फिर से आरन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यान को अच्छा नहीं लगता है। अब सब बाहर जाते हैं और आरन जिन से कहती है कि तुम जल्दी से आने वाले प्रोजेक्ट पे काम करने लगो, जिस पर जिन भी हाँ करती है। फिर जब जिन वहां से चली जाती है तो यान बहुत ही अपसेट होता है। आरन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर यान कहता है कि तुम्हें सच में वोंग के साथ काम करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि वो सही आदमी है और पैसे इतने ज्यादा जरूरी भी नहीं होने चाहिए। जिस पर आरन कहती है कि मेरी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो। जिससे यान कहता है कि तुम ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे वो कहती है कि क्या तुम पहले मुझे जानते थे, लेकिन यान वहां से जाने लगता है। आरन उससे कहती है कि प्लीज अभी भी डबिंग करने के लिए तैयार रहो, जिससे यान हंसता है, तो आरन उसे वहां से लेके जाने लगती है। अगले सीन में आरन के ऑफिस में मैंग आई हुई थी, आरन उसे ऑफिस दिखाती है, फिर वो उसे यू से मिलने के लिए कहती है। जब यू वहां पे आता है तो मैंग एंड वो एक दूसरे को देख के गुस्सा करने लगते हैं, जिससे आरन उससे पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, तो मैंग कहती है कि ये एक ओल्डर वुमन के साथ डेट पे गया था और उससे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जहां पर आरन पूछती है कि कौन सी ओल्डर वुमन, तो वो बताता है कि वो इजाबेला थी, जिससे आरन मैंग को बताती है कि इजाबेला उसकी मदर है। नेक्स्ट सीन में सभी साथ में डिनर करते हैं और यहाँ पे आरन मैंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर हू और उसके बीच में बहस होने लगती है। तभी आरन की नजर यान पे जाती है और वो कहती है कि अरे ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जिसे तुम कॉलेज के रियूनियन पे लेके आई थी, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। तो आरन उसे चुप करवाती है और कहती है कि नहीं, हम बस साथ में काम कर रहे हैं और ये वॉइस एक्टर है। फिर वो यान से कहती है कि ये तो बस हमारी कंपनी में काम करने वाला है। यान कहता है कि अभी मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, जिससे आरन बात पलटती है और कहती है कि फिर भी आप कंसिडर करोगे, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सब खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे मैंग आरन से कहती है कि अगर तुम्हें यान पसंद नहीं है तो क्या मैं उसे पसंद कर सकती हूँ, जिस पे आरन कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, अगर तुम्हें
बच्चे पसंद है तो तुम उसे लाइक कर सकती हो। यान ये सब बातें सुनता है और उसे गुस्सा आता है। अगले सीन में अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैंग ऑफिस में काम करती है और उसका काम सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। किसी को बिलीव नहीं होता, लेकिन जब सब उसकी ड्रॉइंग देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसने काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया हुआ था। उसके बाद वो बाहर जाती है और ह्यू से कहती है कि मुझे यान से मिलने जाना है, तो ह्यू उसे यान के पास लेके जाता है जहाँ पर वो यान के लिए कॉफ़ी लेके गई थी, लेकिन यान कहता है कि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है। तभी वहाँ पर नान आ जाता है और यान से रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है, साथ ही बताता है कि जियांगशान भी आने वाला है। ये सुनते ही मैंग कहती है कि फिर तो हमें यहाँ पे आरन को भी लेके आना चाहिए था, वो जियांगशान की 10 साल से फैन है, वो उसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। यान इस चीज़ से गुस्सा होता है। यू बात पलटते हुए कहता है कि आरन पहले जियांगशान की फैन थी, लेकिन अब तो वो सिर्फ तुम्हारी फैन है। और फिर वो मैंग पर गुस्सा करता है और उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से अंदर नहीं कहना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में यान की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है तब वो बाहर जाता है, लेकिन जियांगशान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी एक फैन है जिसे सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और तुम्हें ये परफेक्ट आता है। जहाँ पे यान कहता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसका काम करवाना चाहते हो, तो जियांगशान कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी फैन है और वो भी 10 साल से। ये सुनते ही यान गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। रात को भी यान लेटे लेटे यही सब बातें सोचता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि आरन उसे मैसेज करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आरन बार बार यान से यही बात करना चाहती थी कि वो उसके ट्रेजर पवेलियन गेम में वॉइस दे, लेकिन वो उससे ये सब नहीं कह पाती है। उसके बाद वो अपने डिजास्टर स्टार लवर कॉमिक को देखती है और कहती है कि मुझे एक बार फिर से भी शर्म बनना पड़ेगा। उसके बाद वो यान के घर जाती है। यान उससे पूछता है कि तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ पर वो अपनी कॉमिक कलेक्शन उसे दिखाती है और कहती है कि ये मेरी कॉलेज में फेवरेट कॉमिक थी और मेरे पास इसका फर्स्ट एडिशन है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये कॉमिक पसंद है, जिससे यान उसे अंदर आने को कहता है। फिर यान उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे डिजास्टर स्टार कॉमिक पसंद है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे घर में पोस्टर मैंने देखा था। फिर वो अपसेट होता है क्योंकि उसे अभी भी यान याद नहीं आया था। फिर वो उससे कहती है कि तुम ये बुक रख लो और इसके बदले में रिकॉर्डिंग कर लेना, जहाँ पे यान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इसका फर्स्ट एडिशन नहीं है। आरन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सच में इसका फर्स्ट एडिशन है, तो वो मना करता है। यान फिर उससे कहता है कि तुम्हें वोंग के साथ काम करने की क्या जरूरत है, अगर ये सिर्फ पैसों के लिए है तो मैं रिकॉर्डिंग के पैसे भी तुमसे नहीं लूंगा। आरन फिर उससे कहती है कि तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है। फिर वो अपसेट होके बुक्स वहीं रख के चली जाती है, जिससे यान भी डिसअपॉइंट होता है। आरन अपने घर जाती है एंड बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। उसके बाद यान उसकी दी हुई कॉमिक देखता है और उनके फ्लैशबैक के सीन याद करता है कि कैसे कॉलेज में दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर उसके बाद यान बार बार आरन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मैसेजेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे आरन भी बाहर जाती है, जहाँ पे यान ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। आरन सोचती है कि वो पड़ी है, इसलिए उसे पहले यान से बात करनी चाहिए। वो अपना पॉड भी यान के पास रखती है और उसका पॉडकास्ट भी चलाती है, जिससे यान कन्फ्यूज होता है। लेकिन उसी टाइम पे उसे वोंग का कॉल आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। तो यान थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी आरन के ऑफिस में हैं और सभी गेम की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। आरन सबसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबको इलस्ट्रेशन करने के लिए कहती है। उसके बाद वो जिन से कहती है कि तुम आगे की प्लानिंग करो, मैं वोंग से मिलकर आऊंगी और पेमेंट लेके आऊंगी। उसके बाद वो ह्यू से बात करती है, जहाँ पर वो कहता है कि यान को कैसे भी करके हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो हमारे गेम को वॉइस दे। आरन कहती है कि अगर उसे काम नहीं करना है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगले सीन में यान जब अपने स्टूडियो जा रहा था तो जियांगशान ऑलरेडी उसका वहाँ वेट कर रहा था। वो उससे बात करे बिना जाने लगता है, तो जियांगशान उसे कहता है कि कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, जिस पर वो कुछ नहीं कहता है। तो जियांगशान कहता है कि लड़कियां दो टाइप की होती हैं, एक तो बहुत ही फ्रजाइल होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है। मोस्ट ऑफ जो यंग गर्ल्स होती है वो फ्रजाइल होती है, लेकिन जो ओल्डर वुमेन होती है वो स्ट्रांग होती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी टाइप तो यंग गर्ल की है, इसीलिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है। ज्ञान उसे कहता है कि मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर रहा। फिर भी जियांगशान उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। रात को यान घर पे देखता है कि आरन कहाँ है, लेकिन आरन अभी तक घर के अंदर काम कर रही थी और वो बाहर नहीं आई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। यहाँ पे आरन देर तक रात को काम करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता था कि सभी बहुत ही ज्यादा अपसेट होंगे। के बाद वो ऑफिस में जाके वोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर वो अच्छे सी हील्स पहन के वोंग के ऑफिस पहुंच जाती है और बहुत देर तक उसका वेट करती है। तभी असिस्टेंट आके बताती है कि वोंग अंदर नहीं है। आरन कहती है कि मैं यहीं बैठ के उसका वेट करूंगी, लेकिन वो कहती है कि उसे आने में बहुत देर हो जाएगी, जिससे आरन जाने लगती है। तभी वहाँ पे लैन आ जाती है, जिसे देख के आरन खुश होती है। वो बताती है कि वो भी वहाँ पे वोंग से मिलने के लिए आई है, जहाँ पर वोंग भी आ जाता है। आरन कहती है कि आप कब आए, मैंने तो आपको आते हुए ही नहीं देखा। वोंग आरन को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है।
और उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। आरन कहती है कि मैं फाइनल पेमेंट लेने के लिए आई हूँ। जहाँ पर वांग उसे कहता है कि तुम एक काम करो, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कह के तुम्हें फाइनल पेमेंट करवा दूंगा। फिर वो लैन को लेकर अंदर चला जाता है, आरन जिससे गुस्सा होती है। रात को देर तक आरन पानी में खड़ी थी और घर आने का वेट कर रही थी। यहाँ पे यान भी आरन का ही वेट कर रहा था। शाम को जब आरन घर आती है तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब यान को उससे बात करनी थी, इसीलिए वो आरन के घर जाता है और उसे रेंट की रिसीट देता है। आरन कहती है कि तुमने फाइनली बात करने की हिम्मत कर ली। फिर यान पूछता है कि तुम्हारे घर के बाहर इतने सारे बॉक्सेस क्या कर रहे हैं, जिससे आरन उसे कहती है कि मैं उठा लेती हूँ। लेकिन तभी यान बॉक्सेस लेके अंदर आता है और वो देखता है कि आरन की तबीयत खराब है। साथ ही वो देखता है कि आरन के पैर में चोट भी लगी हुई है, जिससे वो जल्दी से जाता है दवाई लेके आता है। उसके बाद वो आरन को बैंडेड देता है लगाने के लिए। जैसे वो खड़ा होता है, आरन को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो देखता है कि आरन को तो बहुत ही तेज फीवर है। फिर वो आरन को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन आरन मना करती है और कहती है कि अभी उससे रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर वो काम करने बैठ जाती है। यान फिर उनके पुराने मोमेंट याद करके स्माइल करता है, जिससे आरन पूछती है कि क्या तुम स्माइल कर रहे थे। तो यान मना करता है और कहती है तुम बीमार हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। फिर वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो कहती है कि मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, जिस पर यान हाँ करता है। फिर जब वो सो रही थी तो यान उसके पास दवाई लेके जाता है और उसे दवाई खाने को कहता है। आरन उठने जाती है तो वो यान के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर आरन दवाई खाती है तो यान उसे आराम करने को कहता है। फिर यान बाहर जाता है और उसके लिए ठंडी पट्टी लेके आता है और उसके सर पे रखता है, जिससे आरन पूछती है कि ये किस लिए। तो यान कहता है कि तुम्हारा फीवर इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, जिससे वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लेकिन यान जब बाहर जाता है तो देखता है कि आरन का घर तो बहुत ही गंदा है। फिर वो उसका घर साफ करके देता है। कुछ देर बाद आरन को खांसी आती है, जिससे यान उसके पास आके उसे पानी देता है। आरन उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो यान कहता है कि तुम्हारा घर बहुत ही गंदा था, इसलिए मैं साफ कर रहा था। आरन कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और मुझे भी काम करना है, इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ। यान कहता है कि अभी तुम्हारा काम करने का टाइम नहीं है, तुम आराम करो। आरन कहती है कि जब मैं पहले इस तरह बीमार होती थी तो मेरी मदर हमेशा मेरे लिए नूडल्स बनाती थी और उसमें बहुत सारी मिर्ची डालती थी, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। यान कहता है कि खाने की बात कल करना, अभी तुम सो जाओ और तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कम्प्लीट कर देता हूँ, जिससे आरन उसे थैंक यू कहती है। रात भर जाग के यान उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आरन उठती है तो उसे अच्छी सी स्मेल आती है। जब वो अपने किचन में जाती है तो वो देखती है कि यान ने उसके लिए नूडल्स बनाए हैं और वो भी बहुत सारी मिर्ची वाले, जिससे वो खाने लगती है। यान उसे देख के स्माइल करता है। साथ ही आरन उसे कहती है कि हमारे बिल्डिंग के बाहर एक चिकन शॉप खुली है, उसके चिकन बहुत ही स्पाइसी एंड टेस्टी होते हैं। फिर यान कहता है कि अभी तुम बीमार हो, इसलिए इस बारे में मत सोचो। आरन उसे कहती है कि तुम प्लीज मेरे लिए वो चिकन ले आना, जिस पर वो हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में आरन काम कर रही थी, तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ। लेकिन आरन कहती है कि मैंने स्पाइसी नूडल्स खा लिए हैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी मदर पूछती है कि तुम नूडल्स तुम्हारे लिए किसने बनाए, क्योंकि तुम तो कभी भी खाना नहीं बनाती हो। जिस पे आरन बात चेंज करके फोन कट कर देती है। यहाँ पे यान आरन के लिए चिकन लेने गया था, तभी वहाँ पे जियांगशान बैठा था, तो उसे वो अपने पास बुलाता है। यान जब उसके पास जाता है तो जियांगशान कहता है कि तुम ये किस लड़की के लिए लेने आए हो। वो कहता है कि मैं किसी के लिए नहीं लेने आया, ये मेरी क्लाइंट के लिए है। जियांगशान कहता है कि तुम आज से पहले तो किसी भी क्लाइंट को इस तरह ट्रीट नहीं करते थे, ये जरूर बहुत ही स्पेशल होगी। जिस पे यान कुछ भी नहीं कहता, तो जियांगशान कहता है कि ये जरूर वही लड़की होगी जिसे तुम उस दिन स्टूडियो लेके आए थे, जिस पर यान चुप रहता है। जियांगशान कहता है कि उस लड़की को तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि अगर किसी भी लड़की को कोई लड़का पसंद हो तो वो उसके सामने इतना ग्रीसी फूड नहीं खाती है और बहुत ही पोलाइटली रहती है। यान उसकी ऐसी बातों पे बिलीव करे बिना आरन के घर जाता है। जब वो दरवाजा नॉक करता है तो कोई दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो अंदर आ जाता है जहाँ पे आरन नहा रही थी। तो वो उसे बैठने के लिए कहती है। यान बैठ जाता है और उसे जियांगशान की बातें याद आती हैं, जिससे अपसेट होके वो वहां से चला जाता है। आरन जब बाहर आती है तो वो चिकन खाती है और फिर तभी उसे जिन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि वो वांग से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ पे यान अपने रूम में बैठ के सोचता है कि आरन को सच में मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो बिल्कुल भी मुझे लेके सीरियस नहीं है। यहाँ पे जिन वांग के पास जाती है, जहाँ पे वांग उसकी तारीफ करता है कि वो कितने अच्छे से काम करती है। फिर वो उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिससे जिन के पैर पे पानी गिर जाता है, वो बहुत ही डर जाती है। तो वांग उसे पेपर से साफ करने लगता है। फिर वो खड़ी होती है तो वांग उसे अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन वो घबरा के वहां से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे आरन ने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए अपने पुराने लाइफ के सारे ही ट्रेसेस मिटा दिए थे। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं, जिसे जियांगशान एक न्यू प्रोजेक्ट देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ट्रेजर पेवेलियन गेम का होता है। वो पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया है, जहां पर सभी वांग की कंपनी का नाम लेते हैं। तभी उसे याद आता है कि ये तो आरन का प्रोजेक्ट है और उस पर आरन ने कितनी ही मेहनत करी है, साथ में उसने भी हेल्प करवाई है, जिससे वो कहता है कि ये तो पेल्गराइज किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बार बार आरन को फोन करता है, लेकिन आरन अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। यहाँ पे आरन को पता चलता है कि मिस्टर वांग ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तभी वो देखती है कि जिन किसी
चीज़ को लेकर बहुत ही अपसेट है। वो जिन के पास जाती है तो जिन उससे चिपक कर रोने लगती है। अगले सीन में जिन उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वोंग ने उसके साथ क्या किया था, साथ ही वोंग उसे कितने टाइम से ऐसे खराब मैसेजेस भेज रहा है। वो बहुत ही गुस्सा होता है और बाहर जाने लगता है। तभी उसे यान का कॉल आता है, जहाँ पे यान बताता है कि वोंग ने तुम्हारा ट्रेजर पवेलियन गेम भी चोरी कर लिया है, जिससे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर यहाँ पे यान भी वोंग से मिलने जाता है, जहाँ पे वोंग एक और लड़की को परेशान कर रहा था, जिससे यान उस लड़की को बचाता है। वोंग उससे कहता है कि तुम कौन होते हो यहाँ पर आके मेरी बात में बीच में पड़ने वाले, और उसे धक्का देता है, जिससे यान कहता है कि मुझे पता है कि तुम चोरी कर रहे हो और तुम दूसरों के आइडियाज चुराते हो, जिससे वोंग कहता है कि तुम बस एक वॉइस एक्टर हो, इसलिए ज्यादा दूसरों की बातों में मत पड़ो, और ऐसा कहकर उसके हेडफोन तोड़ देता है, जिससे उसे बचपन का फ्लैशबैक आता है और वो डरने लगता है। तभी वहाँ पे आरन हुआ जिन आ जाते हैं। आरन आते ही सबसे पहले यान को उसके हेडफोन देती है और हु वोंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उसके बाद आरन वोंग से कहती है कि तुम इस तरह से हमारे आइडिया कॉपी नहीं कर सकते हो, जिस पर वोंग कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हारा आइडिया कॉपी किया है, जिससे यान सबके सामने उसकी रिकॉर्डिंग दिखा देता है, जहाँ पे वोंग ने किसी और कंपनी के साथ बात करके आरन का आइडिया चोरी करने का डिसाइड किया था, जिस पे सभी लोग वोंग पे गुस्सा करने लगते हैं और उस पे केस करने का बात करते हैं, जिससे वो उनका आइडिया चोरी करने के लिए मना कर देता है। साथ ही सभी उससे कहते हैं कि तुमने जिन भी लड़कियों के साथ बदतमीजी करी है तुम्हें उन्हें भी सॉरी कहना पड़ेगा, जिसके लिए वो अग्री हो जाता है। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पे आरन यान को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो। तभी आरन की नजर जाती है कि सामने से लैंग आ रही है। वो लैंग को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लैंग उसे कहती है कि लास्ट टाइम हम मिले थे तब तुमने अपने किसी गेम के बारे में बात करी थी, इसलिए तुम अभी मुझे ये सब बता सकती हो, जिस पर वो हाँ करती है और अपने गेम के बारे में बताने लगती है। तभी लैंग उससे किसी को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे देख कर आरन बहुत ही शॉक रह जाती है। लैंग इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये पैजुन है और ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर है और आगे के प्रोजेक्ट तुम्हें इसी के साथ करने होंगे। फिर वो आरन को हैंडशेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपसेट होकर उसे हैंडशेक करती है। फिर लैंग कहती है कि आगे की बात तुम इसके साथ करना, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे पाइजुन आरन के बहुत ही क्लोज आता है, जिससे वो डर के यान के पीछे जाती है। फिर यान उसे वहाँ से लेके चला जाता है। रास्ते में आरन की तबीयत खराब थी, जिससे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब वो टेस्ट चेक करते हैं तो उसमें आरन का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया था, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। यान उसे कहता है कि उस दिन तुम ड्रंक थी, तब तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था। आरन याद करती है तब उसे याद आता है कि उन दोनों ने किस करी थी, जिससे वो बहुत ही डर जाती है और वो उससे पूछती है कि उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ था ना, जिस पर यान पहले तो उसे टीज करता है लेकिन फिर मना कर देता है। उसके बाद आरन अपने घर जाती है और बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है। तभी यान भी अपने घर जाके याद करता है कि आरन एंड पैजन पहले से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों डेट करते हैं। यहाँ पे आरन को सपना आता है कि यान उसके सामने है और वो उससे किस कर रही है, जिससे वो एम्बेरस होती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो वो यान को देखती है और उससे बचने का ट्राई करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है यान वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिससे आरन कहती है कि मुझे किसी और काम से जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जो कि पाइजन से मिलने के लिए गई थी, जहाँ पे पाइजन मैंग से कहता है कि मुझे वापस से आरन के साथ रिलेशनशिप में आना है और वो उसकी हेल्प मांगता है, जिससे मैंग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हु को देखते हैं, जो कि यान के पास गया था और आगे के डबिंग के लिए बात करता है। साथ ही बताता है कि आरन चाहती है कि तुम अच्छे से डबिंग करो, जिस पे यान कहता है कि अगर आरन चाहती है तो उससे बोलो कि वही मुझसे आके बात करे। यहाँ पे आरन जब अपनी बालकनी में थी तो यान भी अपनी बालकनी में था। तभी आरन को लैंग का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि उसने उसके गेम को अप्रूवल दे दी है। जब वो अपने ऑफिस में जाती है और सबको ये खुशखबरी बताती है, आरन सबको बताती है कि उनका फ्रेग्रेंट टाइम बॉयफ्रेंड गेम लैंग की कंपनी ने अप्रूव कर लिया है और वो जल्दी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे सभी खुश होते हैं। लेकिन हु कहता है कि हमें डेमो के साथ साथ डबिंग भी देनी होगी और चार लोगों की डबिंग चाहिए और यान से अच्छा ऐसा कोई नहीं कर सकता है, जिससे आरन कहती है कि ठीक है वो यान से इस बारे में बात करेगी। तभी यान वहाँ पे आ जाता है और फिर वो आरन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, जिससे आरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो आरन से कहता है कि तुम मेरी फैन हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, जिससे आरन कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। उसके बाद काम खत्म करने के बाद सब जा रहे थे तो यान आरन का वेट कर रहा था। आरन यान से कहता है कि चलो साथ में घर चलते हैं, लेकिन आरन मना करती है और अकेली जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी कल की चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थी। तभी यान याद करता है कि कॉलेज में जब आरन लाइब्रेरी में आके पढ़ती थी तो यान उसे अक्सर देखा करता था। एक दिन जब वो उसे अम्ब्रेला देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे पेजन आ जाता है और वो आरन को अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से यान उसे अपनी अम्ब्रेला नहीं दे पाता है, अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में हम आरन को देखते हैं, जो कि सुपरमार्केट में खरीदी कर रही थी। तभी यान भी वहाँ आ जाता है, जिससे वो उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसके सामने आ जाता है। आरन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यान कहता है कि मैं भी सामान लेने आया हूँ। फिर वो आरन से कहता है कि चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, जिस पे वो अग्री हो जाती है। लेकिन वो यान से बहुत सारी चीजें पूछती है तो यान कोई भी चीज लेने के लिए अग्री नहीं होता है, जिससे वो उसे पूछती है कि तुम भला यहाँ पे क्यों आए हो, तो यान कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। दोनों बहुत ही क्लोज
क्लोज हो गए थे एंड बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे मैंग आ जाती है एंड दोनों को उधर साथ में देखती है और आरन को साइड में ले जाती है। फिर वो आरन से कहती है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो। तो आरन कहती है कि वो कोइंसिडेंसली मुझे यहाँ मिल गया था। मैंग कहती है कि तुम इतने छोटे लड़के से प्यार नहीं कर सकती हो, तुम्हें अपने लाइफ में किसी पैजन जैसे लड़के के साथ ही होना चाहिए जो कि हैंडसम और मैच्योर हो, जिससे वो उसकी बात अवॉइड करती है। लेकिन यान को तो गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे आरन ऑफिस में थी तभी उसका कॉलीग बताता है कि यान एंड मैंग साथ में डिनर पे जाने वाले हैं, जिससे आरन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो भी ये सब कुछ देख के शॉक होता है। यहाँ पे यान एंड मैंग लंच पे आए हुए थे, जहाँ पे मैंग यान से कहती है कि तुम आरन से दूर रहो, उसे तुम्हारे जैसे लड़के की अभी जरूरत नहीं है, उसे अपने लाइफ में अभी कोई मैच्योर लड़का चाहिए जिससे वो सपोर्ट ले सके, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। आरन यान को उसकी ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि आरन को उसकी लाइफ का डिसीजन तुम खुद लेने दो, तुम उसकी लाइफ में बीच में इंटरफेयर मत करो, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तभी हु वहां पे आता है और मैंग से कहता है कि तुम इस तरह यान के साथ अकेले डिनर पे नहीं आ सकती हो। लेकिन यहाँ पे मैंग उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम आरन को देखते हैं जो कि डबिंग स्टूडियो में यान का वेट कर रही थी, जहाँ पे यान आज बहुत ही ज्यादा लेट आया था। फिर डबिंग करने के बाद यान आरन से कहता है कि चलो साथ में कहीं चलते हैं, लेकिन आरन कहती है कि मुझे काम है, और ऐसा कहकर घर चली जाती है, जिससे वो अपसेट होता है। आरन को कुछ काम नहीं था, बस वो अपसेट थी इसलिए घर थी। फिर वो खाना ऑर्डर करती है और अपने अलग अलग फ्रेंड्स को फोन करके घर आने के लिए कहती है, लेकिन आज कोई भी बिजी नहीं था, जिससे उसे अकेले ही घर पे रहना पड़ता है। यहाँ पे यान भी रात को कैंपिंग के लिए आया हुआ था और वो आरन के मैसेज का ही वेट करता है, लेकिन आरन तो उसे मैसेज ही नहीं करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। और रात भर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। रात को यान आरन को मैसेज करने का भी सोचता है, लेकिन वो उसे मैसेज भी नहीं करता है। नेक्स्ट डे आरन जब डबिंग स्टूडियो में जाती है तब वो बहुत ही अपसेट होती है। जब यान वहाँ पे आता है तो वो उससे पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ पे थे, जिससे वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर गया था। तो कहती है क्योंकि तुम्हारे घर की लाइट रात भर बंद थी इसलिए। जहाँ पर वो कहता है कि मैं एंजॉय करने के लिए बाहर गया हुआ था। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे मैंग आ जाती है, जो कि आते ही आरन से कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ रात को 7:30 बजे डिनर पे चलना पड़ेगा, जिस पर वो अग्री करती है। जैसे ही मैंग बाहर जाती है यान भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो पैजुन को फोन करके बताती है कि आरन तुम्हारी बताई गई जगह पर आ जाएगी। रात को जब यान जा रहा था तो आरन उसे टीज करती है, लेकिन यान उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। यहाँ पर आरन मैंग के बताई हुई जगह पर जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पे देखती है कि पैजुन आया हुआ है। पैजुन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरन कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पैजुन उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। तभी आरन को फ्लैशबैक याद आता है, जिससे वो पैजुन से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे यान आ जाता है और वो देखता है कि पैजुन आरन का हाथ नहीं छोड़ रहा, जिससे वो आरन को जबरदस्ती लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब दोनों आगे पहुँच जाते हैं जहाँ पे रास्ता बंद था। आरन कहती है कि मुझे पीछे नहीं जाना है, जिससे वो गेट खुलता है, दोनों बाहर जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से यान आरन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है फिर वो उसे सिटी के ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स थी, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ पर वो कहता है कि मैं भी वहाँ पे डिनर के लिए आया था, इसलिए हम कोइंसिडेंसली वहाँ मिल गए। उसके बाद वो उसे म्यूजिक सुनाता है जो कि उसने नेचर में रिकॉर्ड किया होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती है। साथ ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायरफ्लाइज भी थे, जिन्हें देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर यान उससे बहुत ही सारी बातें करता है, जिससे दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। फिर आरन यान से कहती है कि तुम अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आते होगे ना, जिस पे यान कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिस पर यान पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। आरन कहती है कि डेट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कौन कब हमें छोड़कर चला जाए और हमें अकेले रहना पड़े, इससे अच्छा मैं पहले से ही अकेली खुश हूँ। जिससे यान उसे अपने हेडफोन पहनाता है और उसे म्यूजिक सुनने को कहता है, जिससे आरन भी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे जब आरन ऑफिस में जाती है तो वो मैंग पे गुस्सा होती है, क्योंकि मैंग ने उसे जबरदस्ती पायजन के साथ डेट पे भेज दिया था। फिर वो घर जाती है और कल रात की बातें याद करती है। फिर तभी उसे जियांग शान के फैन क्लब से मैसेज आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से उसने वहाँ पे मैसेजेस नहीं करे थे। तो सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिससे वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे पास में एक न्यू नेबर रहने आया है, उस वजह से ही मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। सभी जियांग शान के फैन मीट में मिलने वाले थे और वो वहाँ पे आरन को भी इन्वाइट करते हैं, जिससे वो हाँ करती है। यहाँ पे हम यान के घर पे देखते हैं, जहाँ पे जियांग शान आया हुआ था और वो उससे कहता है कि मेरी फैनमेट होने वाली है, तुम भी मेरे साथ चलना। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही पॉपुलर हो, इसलिए तुम आओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारी कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी ये सही रहेगा। लेकिन वो अभी भी मना करता है। तो जियांग शान कहता है कि तुम्हें पता है कि इतने सालों बाद भी मैं अपनी कंपनी का टॉप आर्टिस्ट कैसे हूँ, जिससे वो पूछता है कि कैसे। जियांग शान बताता है कि उसके बहुत ही सारे फैन क्लब हैं और उसके फैन क्लब के लोग उसके लिए रोज पोस्ट करते हैं। तभी उसे समझ में आता है कि इसी फैन क्लब में आरन भी है और वो उसके मैसेजेस देखता है।
है और उसे फ्लैशबैक याद आता है वो, और इसी वजह से वो जियांगशान के साथ उसके फैन मीट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे आरन को हम देखते हैं जो कि जियांगशान के फैन मीट में गई हुई थी, जहां पे उसने मास्क एंड ग्लासेस पहने हुए थे। सभी उसे पहचान नहीं पाते हैं, जहां पे वो बताती है कि वही लिटिल प्रिंसेस है। सब उसे देख के वहां पे खुश होते हैं और उन्होंने जो भी चीजें ली थी वो उसके साथ शेयर करते हैं। तभी वहां पे जियांगशान आता है, लेकिन वहां पे उसके साथ में यान भी था, जिसे देखकर आरन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। आरन खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यान तो उसे पहचान जाता है। फिर रीडिंग होने के बाद लकी विनर्स की बारी आती है, जहां पे दो लड़कियों के साथ यान एंड जियांगशान फोटोज लेने वाले थे। पहली एक लड़की तो फोटो ले लेती है, लेकिन दूसरी बारी आरन की होती है, जिससे वो शॉक हो जाती है, स्टेज पे आने से मना करती है। लेकिन सभी उसे जबरदस्ती स्टेज पे भेजते हैं, जहां पे यान उसे उसका मास्क उतारने के लिए कहता है। वो पहले तो मना करती है, लेकिन जियांगशान भी उसे फोर्स करता है। जब वो मास्क उतारती है तो जियांगशान उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम हेशा की बहुत बड़ी फैन हो ना, जिससे वहां पे बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सब साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। पिक्चर क्लिक करने के बाद आरन के सारे फ्रेंड्स उस पे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियांगशान की फैन थी, फिर तुमने पार्टी चेंज क्यों कर ली और हेशा की फैन क्यों बन गई, फिर तुमने ग्रुप क्यों चेंज कर लिया और हेशा की फैन क्यों बन गई। जिस पर आरन कहती है कि मैं उसकी फैन नहीं हूँ, मुझे काम की वजह से उससे अच्छे से रहना पड़ता है। जहाँ पर वो समझ जाते हैं कि हेशा उसका वही नेबर है जिसके बारे में वो कल रात को बता रही थी। नेक्स्ट सीन में आरन घर आती है और वो यान की कार को देख के गुस्सा करने लगती है। तभी यान वहाँ आ जाता है, फिर वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें फिर से जियांगशान का ऑटोग्राफ चाहिए क्या, तो वो मना करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर आती है और जियांगशान के फैन मीट में से जो भी सामान लेके आई थी उसे देखने लगती है, जिससे उसे कल रात को यान के साथ बिताया गया टाइम याद आता है। नेक्स्ट डे जब यान एंड आरन रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे जियांगशान आ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जियांगशान उसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यान आरन को कॉफी लेने के लिए भेज देता है। जैसे ही आरन जाती है तो जियांगशान यान से कहता है कि ये वही है ना जिसे तुम प्यार करते हो और उसके लिए तुम पागल हो रहे हो, लेकिन वो मना करता है। जियांगशान उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो ऐसी चीजें करो जो उसे पसंद हो। उस दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पे आरन आ जाती है, जो जियांगशान को कॉफी देने जाती है, लेकिन उसके हाथ में से यान कॉफी छीन लेता है, जिससे जियांगशान कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों को यहां छोड़ के जा रहा हूं, और वहां से चला जाता है। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है तब दोनों घर जाते हैं। यहां पर यान के घर पे हो उसके साथ गेम खेलने के लिए आया हुआ था, लेकिन यान का बिल्कुल भी ध्यान गेम खेलने के लिए नहीं था और वो जानना चाहता था कि आरन एंड पेजुन का ब्रेकअप क्यों हुआ था। हु कहता है कि आरन ने आज तक किसी को भी नहीं बताया है कि उसका एंड पेजुन का ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन उसके ब्रेकअप के बाद उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिससे यान थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी काम कर रहे हैं, जहां पर सभी थोड़े अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि आज आरन सबके साथ बैठ के काम कर रही है और वो यान के साथ डबिंग के लिए नहीं गई हुई है। तभी वहां पे महंगा के आरन से कहती है कि मैंने पेजुन की एक बार हेल्प करी है, इसलिए वो बार बार मुझे मैसेजेस कर रहा है कि उसे एक बार तुमसे मिलना है, तो प्लीज तुम मेरे लिए एक बार उससे मिलने चली जाओ, जिस पे आरन अग्री हो जाती है। फिर आरन एक छोटे से रेस्टोरेंट में पेजुन को मिलने के लिए बुलाती है। पेजुन वहां पे आके बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और आरन से कहता है कि तुमने इतने छोटे रेस्टोरेंट में मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। आरन कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। जहां पर वो कहता है कि पहले तो तुम्हें फैंसी जगह जाना पसंद था और अच्छे से रहना पसंद था। आरन कहती है कि सब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और पहले जैसे नहीं रहते हैं, तुम और मैं भी अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। रात को वो अकेले अपने घर पे बियर पी रही थी, तभी वहां पे यान आता है, जिसे देख के वो खुश होती है और कहती है कि आज का तुम्हारा शो तो बहुत ही अच्छा था, जिस पर वो हाँ करता है। दोनों खड़े होकर कुछ बातें करते हैं, जहां पर यान आरन से पूछता है कि कल तुम बता रही थी ना कि तुम किसी को डेट क्यों नहीं करना चाहती हो, जिस पे आरन कहती है कि जब मैं यंग थी तब मुझे डेट करना अच्छा लगता था, मैं किसी के प्यार में भी थी, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर मुझे समझ आ गया कि कोई हमारे साथ नहीं रहने वाला है, और अब जब मैं 30 के ऊपर की हो चुकी हूँ तो मुझे पता है कि मैं ऐसे ही किसी से भी प्यार नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे इंसान से ही प्यार होगा जो मेरी स्ट्रेंथ बनेगा और हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर यान कहता है कि तुम्हें ऐसा लड़का जरूर मिलेगा, जिससे आरन उसे थैंक यू कहती है। फिर आरन कहती है कि लव बहुत ही हैवी होता है, इसलिए मैं वापस से प्यार नहीं करना चाहती हूँ, जिससे यान उसे देखता है। नेक्स्ट डे जब सब कंपनी में काम कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आए हुए हैं और सभी को पता चलता है कि ये लैंकी कंपनी से गिफ्ट आए हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। तभी आरन सभी को गिफ्ट यूज करने के लिए कहती है। जब आरन अपना गिफ्ट ओपन करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सारे ही गिफ्ट पेजुन ने भेजे हैं, जिससे वो गुस्सा होती है। फिर उसे पेजुन का कॉल आता है जो बताता है कि उसने ये सारे गिफ्ट भेजे हैं। तभी मैंग उसके पास आके कहती है कि
तुम्हें ये गिफ्ट नहीं चाहिए तो फेंक दो। तभी आरन की नजर जाती है कि यान भी वहाँ आ चुका है। यान गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे यान बताता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए आज रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। आरन उसे चेक करने की कोशिश करती है लेकिन यान कहता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, तुम जाके अपनी पेन यूज करो, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यान घर आता है तो आरन ने उसके लिए ऑलरेडी वहाँ पे मेडिसिन रखी होती है जिससे वो खुश होता है। आरन भी जब घर आती है तो वो देखती है कि यान ने उसके लिए सैंडविच रखा है जिससे वो भी खुश होता है। उसके बाद आरन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती है तो यान वहाँ पे अपने फैंस के लेटर्स देख रहा था, जिससे वो आरन को भी लेटर्स पढ़वाता है तो उसे भी खुशी होती है। उसके बाद यान रिकॉर्डिंग करने जाता है और उसे देख के आरन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरन बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों पे ही फोकस करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने अपने लाइफ में से ऐसी चीजें निकाल दी और बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई। प्रेजेंट में आरन काम कर रही थी तभी उसके घर की लाइट चली जाती है जिससे वो यान के घर जाती है। यान डोर ओपन करता है तो वो कहती है कि मेरे घर लाइट नहीं है, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ, जिस पर यान परमिशन दे देता है। तभी यान देखता है कि उसे भूख लगी है जिससे यान उसके लिए खाना बना के लाता है। आरन खाना खाती है और बहुत ही खुश होती है जिससे यान भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर आरन कहती है कि मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। फिर जब वो उसे प्रोजेक्ट दिखाती है तो उसमें स्लोगन सही से नहीं लिखा था जिससे यान स्लोगन लिखने में उसकी हेल्प करता है। आरन भी उसका स्लोगन देख के बहुत ही खुश होती है। फिर दोनों नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कितने पास बैठे हैं जिससे दोनों ही थोड़ा नर्वस होते हैं। यहाँ पर यान फ्लैशबैक का याद करता है कि कैसे आरन लाइब्रेरी में आई थी और जब वो कॉमिक बुक पढ़ रहा था तो वो उससे कॉमिक मांगती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या ये कॉमिक तुम घर लेके जाने वाले हो, जिससे वो हाँ करता है। तो वो साइड में बैठ के दूसरी कॉमिक पढ़ने लगती है और यही सब सोच के स्माइल करता है। फिर वो आरन से पूछता है कि मैं तुम्हारे फ्रेगमेंट टाइम बॉयफ्रेंड के लिए डबिंग कब से स्टार्ट करूं, जिससे आरन खुश हो जाती है क्योंकि उससे तो बिलीव ही नहीं होता है कि यान उसके साथ डबिंग करने के लिए मान चुका है। अगले सीन में हम आरन को बाहर काम करते हुए देखते हैं। फिर वो देखती है कि यान सो रहा है जिससे वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। कुछ देर बाद यान की आंख खुलती है जहां पर उससे पता चलता है कि आरन बाथरूम में है। वो इमेजिन करता है कि आरन सिर्फ टॉवल पहन के बाहर आई है जिससे वो बहुत ही ज्यादा शाय फील करता है, लेकिन आरन पूरे कपड़े पहन के बाहर आती है जिससे उसका सपना तो आधा ही रह जाता है। अब आरन को चोट लगी थी जिससे वो साइड में बैठा के उसे दवाई लगा के देता है और आरन उसे बहुत ही प्यार से देखती है। दोनों बात करते हैं तो यान कहता है कि मैं तुम्हारे गेम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आरन कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा। यान कहता है कि हम इतने क्लोज आ चुके हैं कि अब हमारे बीच में कोई भी चीज की एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकती है, जिससे आरन कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचती हूँ। उसके बाद यान कहता है कि मैंने तुम्हारा लाइट बिल भर दिया है, जिससे आरन अपने घर चली जाती है और यान उसके याद करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में आरन यान को प्रेजेंटेशन देके दिखाती है। यान उसे प्रिपेयर करता है कि वहाँ पर शायद पेजेंट भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें सारे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे आरन भी हाँ करती है। नेक्स्ट डे जब सभी मीटिंग में जाते हैं तब सच में वहाँ पे पेजेंट भी आया हुआ था। उसके बाद जब आरन प्रेजेंटेशन देती है तो पेजेंट उससे ऐसे सवाल पूछता है जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन आरन ऑलरेडी प्रिपेयर होती है इसीलिए वो उसे सारे ही सवालों के जवाब देती जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद लैंग तो आरन के गेम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन पेजेंट कहता है कि मैं भी तुम्हारा इस तरह का गेम हमारे मार्केट में नहीं चलेगा। आरन अभी भी खुद की पिच रखती है जिससे वो कहता है कि पहले तुम एक काम करो, एक बेटा वर्जन तैयार करो और उसे मार्केट में निकालो, और अगर उसे 80% वोटिंग मिल जाएगी तो हम तुम्हारे गेम को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस पे आरन अग्री करती है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि सभी यान के घर पे डिनर कर रहे हैं। तभी यान को किसी का फोन आता है जिससे वो बाहर जाता है। नान उसे बताता है कि जाओ जिंग तुम्हें कितने टाइम से रियलिटी टीवी शो में बुला रहा है लेकिन तुम आने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। यान कहता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैंग आरन से पूछती है कि तुम्हारा और पेजन का ब्रेकअप क्यों हुआ था, तुमने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई और हम सबको ये बात जाननी है। जैसे आरन बताती है कि जब वो कॉलेज की स्टूडेंट थी तब उसे पेजन मिला था जो कि इसका सीनियर था, और उसे आरन की सारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी और वो आरन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता था। देखते ही देखते दोनों कपल बन जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पेजन को दूसरी लड़की पसंद आने लगती है जिससे वो आरन को छोड़ के उस लड़की के साथ ही चला जाता है। उसके बाद आरन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देती है और डिप्रेशन में चली जाती है। तब सिर्फ ह्यू ही था जो उसे ऐसी लाइफ से बाहर निकालता है। उसके बाद आरन अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेती है और छोटे मोटे काम करती है एंड जॉब स्टार्ट करती है। साथ ही वो उसे अपने पेरेंट्स के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि उसने इतने टाइम तक पेजन के लिए उन्हें भी इग्नोर किया था। यहाँ पर जब मैंग ये सब कुछ सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो आरन को हक करके रोने लगती है क्योंकि उसने पेजन की साइड ली थी। आरन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, बाहर यान भी खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था और उसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में
देखते हैं कि सभी ने अपने बेटा वर्जन की तैयारी स्टार्ट कर दी है और फिर देखते ही देखते सब अपना गेम भी तैयार कर देते हैं। यहाँ पे आरन यान को मैसेज करती है जहाँ पे यान उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है। मैसेज करते करते आरन हंसती है जिससे सभी उसे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में यान जियांगशन के साथ बैठा हुआ था जहाँ पे जियांगशन यान से आरन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उसे कन्फेस करने वाला है। जियांगशन कहता है कि तुम पहले जिस आरन को जानते थे उसमें और अभी के आरन में बहुत ही डिफरेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी उसे प्रपोज कर देना चाहिए। यान कहता है कि पहले मुझे वो पसंद थी लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ रहने लगा मुझे समझ आ गया कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और अब मैं बस उसके साथ रह के उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। भले ही वो मुझे रिजेक्ट कर दे लेकिन मैं फिर भी उसे प्रपोज करूंगा। जिससे जियांगशन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आरन जब घर आती है तो उसे यान दिखता है। दोनों एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिले थे और एक दूसरे से बातें करते हैं जहाँ पर यान को कॉल आता है और उसे वापस से डबिंग स्टूडियो बुलाया जाता है। जाने से पहले यान आरन के बहुत पास आता है और उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आरन मना कर देती है। उसके बाद यान उसे बाय कह के वहां से चला जाता है। आरन घर पे जाती है और अब तो उसे भी यान पसंद आने लगा था जिससे वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट डे यान ने घर पे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके रखी थी, तभी आरन आती है और दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। आरन को उसका खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यान उसे प्रपोज करने ही वाला था तभी आरन को मैसेजेस आने लगते हैं और वो बताती है कि उसकी बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और उसे 82% रैंकिंग भी मिली है जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे ही वो उससे कुछ कहने वाला था तभी उसे पेजुन का कॉल आता है जो उसे लैंग कंपनी में बुलाता है, जिससे आरन जल्दी से वहां जाती है। जब वो वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे 82% रैंकिंग तो भले मिली है लेकिन जो उसकी ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए उनके गेम को आगे तक नहीं लेके जाया जाएगा। आरन कहती है कि मैंने सब कुछ करा है फिर तुम लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, जिससे पेजुन कहता है कि तुम्हारा वॉइस आर्टिस्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, तुम्हें अगर अपने गेम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए तुम्हें जाओजिंग जैसे अच्छे से आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हो। आरन कहती है कि मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे लैन उसे कहती है कि एक बार फिर से तुम बेटा टेस्टिंग करो और अगर इसमें तुम्हें 10,000 लोग 80% से ऊपर वोटिंग देते हैं तो हम तुम्हारे गेम को अप्रूव कर देंगे, जिससे वो हाँ बोलती है। जब वो बाहर जाती है तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी लेकिन तभी वहां पे यान आ जाता है। आरन उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यान फिर उसे कहता है कि मैं बस यहां से निकल रहा था। आरन फिर जो भी हुआ वो उसे बताती है और फिर यान से कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, जिससे यान हाँ बोलता है। फिर दोनों वहां से जाते हैं। उसके बाद आरन ऑफिस जाती है और सभी को ये बात बताती है। अब देखते देखते फिर सभी ये काम करने लगते हैं। यहाँ पर एक दिन जब यान ऑफिस में आता है तो वो आरन की बातें सुनता है जहाँ उसे पता चलता है कि आरन जाओजिंग को अपने डबिंग के लिए बुलाना चाहती है लेकिन जाओजिंग उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यान जाओजिंग से मिलने गया है। जाओजिंग उसे देख के वहाँ खुश हो जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें रियलिटी टीवी शो में इन्वाइट किया था तब तो तुम वहाँ आने को तैयार नहीं थे, भला आज तो मुझसे मिलने कैसे आ गए। जहाँ पर यान कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कहता है कि तुम अगर मेरे रियलिटी टीवी शो में आओगे तो तुम जो भी कहोगे वो मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, जिसके लिए यान भी हाँ कर देता है। यहाँ पे हम आरन की टीम को देखते हैं जिन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया होता है उनके गेम को प्रमोट करने के लिए लेकिन उस इन्फ्लुएंसर को ज्यादा व्यूज नहीं मिलते हैं। फिर हो उसकी जगह स्ट्रीमिंग करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा व्यू मिलने लगा जिससे सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब आरन घर जाती है तो उसके बालकनी में यान ने एक बहुत ही अच्छा टेंट लगाया होता है। फिर वो ड्रिंक लेके टेंट पे बैठती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यान भी ये सब कुछ देख के हंसता है। उसके बाद आरन को कॉल आता है जहाँ पे लांग बताती है कि तुम्हारा बेटा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें 80% से ज्यादा वोटिंग भी मिली है और इस बार तुम्हारी वोटिंग में 32,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हम तुम्हारे गेम को आगे लेके जाएंगे, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। फिर वो यान को मैसेज करके ये सब कुछ बताती है जिससे यान भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे जब आरन ऑफिस में जाती है तब उसे पता चलता है कि जाओजिंग ने उसके गेम के लिए ट्वीट किया है जिसकी वजह से उसके गेम को बहुत ही ज्यादा वोटिंग मिल रही है। उसे लगता है कि जाओजिंग से कॉन्टेक्ट हु ने किया था लेकिन हु तो ऐसा मना कर देता है, जहां पर उसे पता चलता है कि मे बी हेशा ने किया होगा। फिर वो यान को मैसेज करके वो कहती है कि क्या तुमने मेरी हेल्प करी है, जिस पर यान भी हाँ करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरन एंड ह्यू ड्रिंक पर गए हुए हैं जहां पे ह्यू आरन से पूछता है कि तुमने अपनी लाइफ में कोई इजी पाथ क्यों नहीं चूज करा, तुमने बिजनेस वुमन ही क्यों बनना चाहा। आरन उससे पूछती है कि ये सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहती हूँ, तुम तो इतने रिच थे फिर तुमने ऐसा पाथ क्यों चूज किया, जिस पर ह्यू कहता है कि मुझे खुद का कुछ क्रिएट करना था। आरन कहती है कि मेरा भी सेम रीजन था, मुझे अपने नाम से कुछ करना था। ह्यू कहता है कि हम अपनी इस कंपनी को बहुत ही बड़ा बना देंगे, जिससे आरन खुश होती है। अब आरन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी, तभी वहां पर यान आ जाता है और वो आरन को इतना ड्रंक देख के बहुत ही कंफ्यूज होता है। फिर वो आरन को वहां से लेके जाने लगता है। मैंग आके कहती है कि तुमने आरन को इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करने दी, तुम्हें पता है ना कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती है। ह्यू कहता है कि कोई बात नहीं उसे तो आदत है। फिर मैंग ह्यू के साथ ड्रिंक करने बैठ जाती है और दोनों बहुत सारी ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे यान आरन को लेके घर आता है लेकिन आरन तो यान के घर जाने लगती है जिससे यान उसे रोकता
होता है। यहाँ पर मैंग एंड यू बातें करते हैं, जहाँ पर मैंग यू से पूछती है कि तुम और आरन दोस्त कैसे बने, जिस पर वो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। छोटे में मेरे को सभी बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, बुली करते थे, लेकिन आरन मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी, तो हमेशा मेरे लिए सबसे लड़ती थी और ऐसे ही हम दोनों दोस्त बन गए। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर वो मैंग से पूछता है कि तुम और आरन कैसे दोस्त बने, जिस पर वो बताती है कि कॉलेज के टाइम में मैं बहुत ही सीधी थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, मुझ में बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं था और आरन मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी। उसने मुझे अपने साथ रखा और मेरे साथ अपनी सारी चीजें शेयर करती थी। फिर जब मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला तो मेरे पास पैसे भी कम थे, लेकिन आरन ने मुझे अपने बचाए हुए पैसे दिए और मुझे फ्रांस जाने के लिए इनकरेज करा और तभी से मैं और आरन बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। जैसे यू बहुत ही खुश होता है कि आरन की एक इतनी अच्छी दोस्त भी है। यहाँ पे हम यान को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यार से आरन को देख रहा था और उनकी सारी मेमोरीज याद कर रहा था। फिर वो आरन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आरन उठती है तो उसे याद आता है कि यान ने उससे कन्फेस किया था। तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। जब वो बाहर जाती है तो यान उसके लिए टिकट लेके आया था और उसे कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है। उसके बाद आरन कहती है कि ठीक है। फिर जब अंदर जाने लगती है तो यान उसे कहता है कि तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं है, जिस पर आरन मना करती है। तो यान कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ, जिससे आरन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर आरन एंड यान पूरे दिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और अपने सारे ही पुराने मोमेंट्स याद करते हैं। रात को आरन मैंग के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंग ऑलरेडी यहाँ पे ह्यू के साथ आई हुई है। आरन फिर मैंग से पूछती है कि तुम्हारे और ह्यू के बीच में क्या चल रहा है, जहाँ पे मैंग कहती है कि मुझे ह्यू पसंद आने लगा है, इसलिए शायद मैं उससे कन्फेस करने वाली हूँ, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। तभी ह्यू वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि आरन एंड मैंग ने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं करा है। जिससे वो ऑर्डर करने जाता है तो मैंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी आरन को कॉल आता है कि यान का एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा है, जिससे आरन डरती है और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो नर्स उसे यान का रूम बताती है। जब वो यान के रूम में जाती है तो वो देखती है कि एक वुमेन यान के पास सो रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी यान उसे आवाज लगाता है जो कि साइड में खड़ा हुआ था। यान को देख के वो जल्दी से जाके उसे हग करती है। यान कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लगी है, तुम इतना क्यों रो रही हो। आरन कहती है कि मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, जिससे यान उसे टीज करने लगता है। आरन को इतना वर्ड देख के वो उसके आंसू पोंछता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, जिस पे आरन हाँ करती है। फिर आरन उसे देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, जिससे यान उसे ही देखता है। फिर यान उसे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पे आरन उसे हाँ करती है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में आरन यान को लेके घर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि यान के हेडफोन टूट चुके हैं, जिससे वो उसे कहती है कि तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया। तो यान कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं दूसरे ले आऊंगा। फिर आरन उसे मेडिसिन देके वहाँ से जाती है। उसके बाद यान उसे ही याद करके स्माइल करता है। आरन भी घर पे यान के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट डे दोनों ही अपने अपने दोस्तों को एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं। आज उनकी फर्स्ट डेट थी, इसीलिए वो डेट के लिए भी बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं। जब वो डेट पे जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ पे आरन को तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो फर्नीचर शॉपिंग करके लाते हैं और घर को रेनोवेट भी करते हैं। आरन का तो पूरा ही घर यान ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत ही ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे आरन जब ऑफिस जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंग तो उसे देख के ही समझ जाती है कि उसके एंड यान के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन आरन कहती है कि सबसे इस बात को छुपा के रखना, जिसके लिए वो अग्री हो जाती है। उसके बाद वो लोग ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि उनके गेम को तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और साथ ही उन्हें पता चलता है कि लैंग कंपनी ने भी उनके गेम को इन्वेस्ट करने के लिए अग्री हो गए हैं, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम यान को देखते हैं, जिसने रियलिटी टीवी शो के लिए साइन अप कर दिया था। नान भी इस चीज से खुश होता है और उससे पूछता है कि तुमने भला ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है। यहाँ पे आरन अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पे यान आ जाता है और सबके सामने कहता है कि मैं आरन को लेने आया हूँ। आरन सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उन्होंने पहले से मिलने का प्लान बनाया था। फिर दोनों वहां से जाते हैं। सभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंग सबको चुप रहने के लिए कहती है। रास्ते में यान आरन से पूछता है कि तुमने अपने दोस्तों को अभी तक क्यों नहीं बताया कि हम डेट कर रहे हैं। आरन कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे सबको कब बताना है, जिससे यान थोड़ा सा बुरा फील करता है। आरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सबको बता दूंगी। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो वहां पे पेजन ऑलरेडी आरन का वेट कर रहा था और वो आरन से बात करने की कोशिश करता है तो यान उसे रोकता है। फिर यान आरन को लेकर अंदर जाने लगता है तो पेजन कहता है कि जो भी मुझे बात करनी है वो आरन से करनी है, तुमसे नहीं करनी है। यान कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। और ऐसा
कहकर आरन को ले जाने लगता है। पेजुन लेकिन आरन का हाथ पकड़ता है तो यान उसका हाथ हटाता है। पेजुन कहता है कि तुम जैसा लड़का कभी भी आरन को पसंद नहीं आएगा, आरन को कोई मेरे जैसा मैच्योर लड़का चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, देखना एंड में वो मुझे ही चूज करेगा। जिससे यान गुस्सा करके उसकी कॉलर पकड़ता है तो वो कहता है कि क्या करोगे तुम, मुझे मारोगे। जिससे यान उसे मारता है और कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए उससे दूर रहो, आज के बाद अगर तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो आरन को लेके वहां से चला जाता है। फिर यान आरन से पूछता है कि कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, तो आरन मना करती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। उसके बाद आरन अपने घर जाती है और वो एंड यान मैसेजेस पे बात करते हैं। नेक्स्ट डे सभी आउटिंग पे जाने वाले थे जहाँ पे यान एंड आरन एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। जब आरन सो जाती है तो यान उसके सर को प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद सभी कैंप साइट पर पहुंचते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी कैंप साइट नहीं थी। यान कहता है कि तुम चाहो तो हम कहीं और पे जा सकते हैं, जिससे आरन बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। फिर सभी कैंप लगाने लगते हैं। अब जब टेंट लगाने के बाद सब बैठे हुए थे तो मैंग आरन से कहती है कि वो आज हु को प्रपोज कर दे, जिससे आरन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद मैंग हु के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो हम फिशिंग पे चलते हैं, जिससे वो हाँ करता है। जब सब चले जाते हैं तो आरन एंड यान एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर यान कहता है कि तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में नहीं बताना चाहती हो ना, पर ऐसा क्यों है? जहाँ पर वो कहती है कि मेरे लाइफ में बहुत ही कम सीरियस रिलेशनशिप हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमारे बीच में जो भी है वो बहुत ही स्टार्टिंग है, थोड़ा हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले उसके बाद मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती हूँ। आरन कहता है कि तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगा। उसके बाद दोनों किस करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि यू को फ्रेंच लैंग्वेज में प्रपोज करती है, लेकिन यू को कुछ समझ नहीं आता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी डिनर कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। डिनर के बाद आरन सबके सामने खड़ी होती है और सबको बताती है कि वो एंड यान डेट कर रहे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हमें तो ऑलरेडी ये पता था, हम कब से प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। जिससे आरन एंड यान थोड़े से एम्बेरस होते हैं। फिर सभी उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं, जिससे दोनों किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान बताता है कि पहले कैसे कॉलेज के टाइम पे वो आरन को प्यार करता था और अब आज इतने सालों बाद आरन उसके साथ है और उन दोनों को रिलेशनशिप में होके पूरा एक महीना भी हो चुका है और वो आरन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी है। नेक्स्ट डे हम आरन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में जाती है और बताती है कि उनकी बीटा टेस्टिंग बहुत ही अच्छी है और अब उन्हें फंडिंग में मिल गई है, इसलिए वो गेम पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे यू एंड मैंग को एक मीटिंग में जाना था, जिससे दोनों मीटिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों मीटिंग में जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है, जिसके बाद मैंग यू को रात को डिनर पे इन्वाइट करती है, लेकिन वो मना करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आरन, मैंग और जेन तीनों डिनर पे गई हुई हैं, जहाँ पे तीनों खाना खा रही हैं और मैंग कहती है कि वो सिंगल है इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो आरन को टीज करने लगते हैं कि उसका तो कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। उसके बाद जेन पूछती है कि यान कहाँ है, जहाँ पे आरन कहती है कि वो रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ है। दोनों उससे कहती है कि तुम्हें वहां जाके उसे सरप्राइज करना चाहिए, लेकिन आरन कहती है कि वहां पे उसके फैंस भी होंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके फैंस मुझे देखें। जिस पर जिन कहती है कि सही बात है, उसके फैंस बहुत ही ज्यादा पजेसिव हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैरेस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि अपने रियलिटी टीवी शो के लिए तैयारी कर रहा था। तभी उसे आरन का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि लड़कों को यूजुअली क्या पसंद होता है। यान कहता है कि तुम्हें ये क्यों जानना है। जिससे आरन कहती है क्योंकि मैंग को यू को प्रपोज करना है इसीलिए उसके लिए उसे टिप्स चाहिए। जिससे यान कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पसंद है और वो आरन है। जिससे आरन बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। अब यान बात करने के बाद अपने हेयर ड्रेसर से भी पूछता है कि लड़कियों को किस तरह की चीजें पसंद होती हैं, जिस पे हेयर ड्रेसर उसे कहती है कि सब लड़कियों की पसंद अलग अलग होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यान इंटरव्यू के लिए गया है, जहाँ पे इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि तुमने आज से पहले कभी भी कोई रियलिटी टीवी शो क्यों नहीं किया है। जिस पर वो कहता है कि ये भी मैंने झाओ जिंग के कहने पर किया था। इंटरव्यूअर फिर उससे पूछती है कि तुम दूसरे आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो। यान कहता है कि सब अच्छे हैं इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि तुमने इतने साल अपना फेस सबसे हाइड रखा, तुमने हाल ही में जियांग शान की 10th एनिवर्सरी पर अपना फेस रिवील किया है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? जिस पर यान कहता है कि उसका इस इंटरव्यू से कुछ लेना देना नहीं है। जिससे इंटरव्यूअर वो इंटरव्यू वहीं खत्म कर देती है। अगले सीन में आरन एंड यान आरन के टेंट में बैठे हुए थे, जहाँ पर वो कहती है कि जब तुम फ्री हो जाओगे तब हम दोनों फिर से कैंपिंग के लिए चलेंगे।
यान कहता है कि इस बार मेरे टाइप की कैंपिंग पे चलेंगे, मुझे पिछली बार बिल्कुल मजा नहीं आया था, मेरी कैंपिंग बहुत ही ज्यादा सूदिंग होती है। आरन कहती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे टेंट में सोने का ही मन हो रहा है, जिस पे यान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ सो सकता हूँ। आरन कहती है कि ये टेंट मेरा है इसलिए तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, जिस पे यान कहता है कि लेकिन ये तो मेरी बालकनी पे है, जिससे आरन स्माइल करती है एंड देन फिर दोनों किस करते हैं और वहीं पर इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में सबको काम करते हुए देखते हैं, तभी आरन अपनी डेट के लिए तैयार हो रही थी, जिससे मैंग उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। आरन के जाने के बाद मैंग यू के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो हम दोनों भी गेम पार्लर चलते हैं, गेम खेलेंगे, जिसके लिए यू भी अग्री होता है। यहाँ पर जब आरन जा रही थी तभी उसे यू का मैसेज आता है, जो उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है और कहता है कि ये कंपनी के प्रमोशन के लिए है, जिससे आरन उसे पैसे भेज देती है। यहाँ पे हम यान को देखते हैं, जिसने आरन के लिए अपने एनिवर्सरी की बहुत अच्छी तैयारी करके रखी थी और ये सब करने के लिए उसे जियांगशान ने कहा था, और अब वो बैठ के आरन का वेट कर रहा था। यहाँ पे आरन जब यू को वापस से मैसेज करती है तो यू ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जिसे वो यू से फोन करके पूछती है कि तुमने भला मुझे ब्लॉक क्यों किया है। यू कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, जिससे आरन समझ जाती है कि उसके पैसे फिशिंग स्कैम में चले गए, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ पे यू एंड मैंग गेम पार्लर में थे, जहाँ पर मैंग जानबूझ के यू के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, जिससे यू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहता है। फिर मैंग अपनी तरफ उसका टेंशन खींचने के लिए अपना जैकेट भी हटा देती है, लेकिन यू फिर भी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी उनके बूथ में कोई आ जाता है, जहाँ पे मैंग उससे कहती है कि क्या हुआ। वो पर्सन कहता है कि मैंने इस बूथ को पहले रिजर्व करके रखा था, जिससे वो मना करता है। फिर वो पर्सन कहता है कि अगर उस लड़के को यहाँ पे खेलना है तो खेलने दो, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो हम दोनों जा सकते हैं, जिस पर मैंग कहती है कि ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिससे यू कन्फ्यूज होता है। वो लड़का भी यू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर यू मना कर देता है और कहता है कि हम तो बस कॉलीग्स हैं, जिससे वो लड़का फिर से मैंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ बहुत अच्छी जगह ले चलूं, और ऐसा कहकर उससे बदतमीजी करने लगता है। लेकिन यू उस लड़के को कुछ नहीं कहता और इसी वजह से मैंग की और उस लड़के की लड़ाई हो जाती है, जिससे यू बीच में आता है और उस लड़के को पैसे दे देता है ताकि वो उनका बूथ छोड़ के वहां से चला जाए। फिर जब वो लड़का वहां से चला जाता है तो मैंग कहती है कि तुमने उस लड़के को कुछ क्यों नहीं कहा, जिससे यू कहता है कि बिना फालतू में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, मैंने उसे पैसे दे तो दिए। मैंग कहती है कि हर चीज पैसों से सॉल्व नहीं होती है और गुस्सा करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम आरन को देखते हैं, जो कि यान के रेस्टोरेंट में पहुंची थी, जहां पे यान ने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके रखी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आरन से पूछती है कि आज का क्या दिन है जिससे तुमने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी है। यान कहता है कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, जिससे आरन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आरन थोड़ी सी अपसेट थी, जिससे यान उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो आरन कहती है कि कुछ नहीं हुआ। तभी आरन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जो कि उसे वहां बुला रहे थे। आरन कहती है कि मैं कुछ देर बाद आऊंगी। यान समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आरन से पूछने लगता है, जिससे आरन उसे सब कुछ बता देती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, जिससे यान उसे कहता है कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। फिर आरन कहती है कि ये सब तुमने प्रिपेयर किया है उसका क्या। यान कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आरन वहां से चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम आरन एंड यान को आरन के घर देखते हैं, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से सारे पैसे चले गए थे। यान कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। लेकिन आरन कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मैं फिशिंग स्कैम में कैसे फंस गई, पर तुम चिंता मत करो मैं इन सब चीजों में से खुद से निकल जाऊंगी, मुझे बस तुम सपोर्ट करते रहो, जिसके लिए यान अग्री करता है। फिर आरन यान को हग करती है और उसे सॉरी कहती है आज का उसका दिन खराब करने के लिए। यान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लग रहा है। फिर आरन यान से पूछती है कि तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज देना किसने सिखाया, जियांगशान ने ही ना, जिससे यान बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होता है। फिर यान आरन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करता हूँ, जिससे आरन अग्री करती है। उसके बाद यान आरन के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद आरन आती है तो वो खाने की खुशबू देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद आरन एंड यान खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पे यान अपने हाथों से आरन को खाना खिलाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर यान आरन को एक नेकलेस भी देता है, जो देख के वो खुश हो जाती है क्योंकि वो नेकलेस उनकी फेवरेट कॉमिक डिजास्टर स्टार लवर की प्रिंसेस का था। फिर यान अपने हाथों से उसे वो नेकलेस पहनाता भी है, जिससे तो आरन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद दोनों किस कर
करते हैं। अब जब दोनों किस कर रहे थे तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे आरन की मदर आ जाती है, जिससे यान एंड आरन उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान की मदर वहाँ आ गई है, जो कि आरन एंड यान को साथ में देख के बहुत ही शॉक हो जाती है, जहाँ पे यान आरन को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। यान की मदर को पता था कि आरन उनकी पड़ोसी है, जिससे वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है। फिर वो यान से बात करने लगती है तो आरन वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही आरन मैंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि यान की मदर वहाँ आ गई थी और उन्होंने हमें साथ में देख लिया। मैंग कहती है कि उन्हें तो तुम पक्का पसंद आई होंगी, लेकिन आरन कहती है कि मुझे लगता है उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट होती है और फिर रात को सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो उसके ऑफिस में चैन नाम की एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई होती है। दरअसल में उनके कंपनी में न्यू रिक्रूट्स की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो कि अपने रियलिटी टीवी शो में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे स्क्रिप्ट दी जा रही थी, जिससे वो थोड़ा सा अपसेट भी होता है। जब वो काम खत्म करके बैठता है तभी उसे उसके मदर का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान की मदर आरन के घर आई हुई है, जहाँ पे वो आरन के घर की डेकोरेशन देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। आरन बताती है कि यान ने ही ये सब करने में हेल्प करी है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि आरन यान से 6 साल बड़ी है, जिससे उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो कहती है कि यान ने तो अभी ही काम करना शुरू करा है। आरन कहती है कि मैं यान को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। उसकी मदर ज्यादा बातें करे बिना फिर वहाँ से चली जाती है, जिससे आरन थोड़ी सी अपसेट होती है। तभी वहाँ पे यान भी आ जाता है, जिसे देख के आरन खुश होती है। यान पूछता है कि क्या कोई यहाँ पे आया था, लेकिन आरन उसकी बात का जवाब नहीं देती है। नेक्स्ट डे जब आरन ऑफिस जाती है तो वहाँ पे दूसरे कंपनी के इन्वेस्टर्स आए हुए थे, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक थे। उसका नाम हाउजियान था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी खरीदने में इंटरेस्ट है और मैं बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। आरन कहती है कि अभी तो हमें किसी भी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें इन्वेस्टर की जरूरत होगी हम जरूर तुमसे बात करेंगे। यान भी आरन को ज्यादा फोर्स नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से सोच के मुझे आंसर देना, और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हु आरन से कहता है कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आरन कहती है कि हमारी और उनके कंपनी का सिर्फ नाम सेम है, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, इसलिए वो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। हमें बस अपने गेम्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर हम उनसे भी बड़ी कंपनी बन सकते हैं, जिससे यू भी अग्री होता है। अगले सीन में हम यान को देखते हैं, जो कि अपने प्रोड्यूसर से लड़ रहा था, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर बार बार उसे स्क्रिप्ट दे रही थी जिसमें वो बिल्कुल भी अग्री नहीं था। तभी वहां पे आरन आती है, जिससे प्रोड्यूसर वहां से चली जाती है। यान उसे बताता है कि प्रोड्यूसर बार बार उसे स्क्रिप्ट दे रही है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आरन भी स्क्रिप्ट देखती है और उसे भी समझ आता है कि यान को क्यों अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो यान को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पे बातें कर रहे थे, तभी पीछे से दो लोग लड़ने लगते हैं, जिससे यान को बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा होने लगता है। आरन उसके हेडफोन पहनाती है और उसे वहां से ले जाती है। जब दोनों बाहर जाते हैं तो आरन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो यान कहता है कि बचपन से ही मैं लड़ाइयां देखता हूं, तो मुझे ऐसा ही होता है। जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी लड़ाई हुआ करती थी। आरन कहती है कि तुमने आज से पहले अपने फादर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। यान कहता है जब मैं छोटा था तो हमेशा मेरे फादर गैम्बलिंग करते थे और बहुत सारी ड्रिंक करते थे, और उसके बाद मेरी मदर के साथ बहुत ही सारी लड़ाई करते थे। एक दिन मेरे मदर एंड फादर लड़ रहे थे, तभी उनके बीच में मैं चला गया और मेरे फादर ने मुझे मारा, जिससे मेरे सर में बहुत ही चोट लग गई और मेरी मदर ने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे फादर को डिवोर्स दे देंगी। उसके बाद मेरी मदर ने ही मुझे बड़े किया और तब से ही मैं जब भी लड़ाई करते हुए लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर शांति वाली जगह पे जाना पसंद करता हूँ और मुझे कैंपिंग पसंद है। जिसके बाद आरन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ अब से कैंप पे आऊंगी और हम दोनों इसी तरह शांत माहौल एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, जिससे यान भी हाँ करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अगले सीन में जब दोनों घर पहुंचते हैं और बाय बोलने ही वाले थे, तभी यान की मदर वहां आ जाती हैं एंड वो आरन को स्ट्रॉबेरीज देती हैं। फिर वो दोनों से कहती हैं कि तुम्हें इतनी देर तक रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। यान अपनी मदर को कुछ कह पाए उसके पहले आरन कहती है कि आप सही कह रही हो, और अपने घर चली जाती है, जिससे यान गुस्सा करता है और फिर अंदर जाके अपना काम करने लगता है। तभी वहां पे उसकी मदर आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, आरन तुमसे 6 साल बड़ी है। यान कहता है तो उससे क्या हुआ। उसकी मदर कहती है कि वो 6 साल बड़ी है, यानी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और तुमने अभी अभी अपनी लाइफ स्टार्ट करी है। मुझे नहीं लगता है कि आरन तुम्हारे लिए परफेक्ट गर्ल रहेगी, तुम्हें किसी दूसरी लड़की को खुद के लिए ढूंढना चाहिए। अभी तो तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन एज जैसे ही बढ़ेगी वैसे शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट ना रहो। यान को अपनी मदर की ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और वो कहता है कि आप आरन की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती हो। दूसरी तरफ आरन भी ये सारी ही बातें सुन लेती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यान फिर बाहर आता है और आरन के बारे में ही सोचता है। नेक्स्ट डे वो आरन से बात करने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मेरी मदर ने मुझसे कुछ बात करी है। आरन कहती है कि तुम्हारी मदर जो भी कह रही है मुझे भी वो सही लग रहा है, और फिर वो यान से बात करने से मना करके वहां से चली जाती है, जिससे यान थोड़ा सा अपसेट होता है।
नेक्स्ट डे वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी। वो यान से मिलने उसके घर जाती है। यान दरवाजा ओपन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। आरन बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। यान उससे पूछता है कि तुम वापस कब आओगी, तो आरन कहती है कि मुझे नहीं पता, जिससे यान थोड़ा सा अपसेट होता है। फिर आरन वहां से चली जाती है। अगले सीन में आरन लान के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी, जहाँ पे वो लैन से पूछती है कि हम वापस कब तक आएंगे, जहाँ पर लैन बताती है कि हम कल रात तक वापस आ जाएंगे। आरन कहती है कि क्या हम जल्दी वापस नहीं आ सकते हैं। लैन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ काम है, तो आरन कहती है कि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ हमें पता चलता है कि कल दरअसल में यान का बर्थडे है, इसीलिए आरन जल्दी वापस आना चाहती है। अगले सीन में आरन मीटिंग वाली सिटी पहुंच जाती है, तभी वो इन्वेस्टर से बात करती है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी देती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर लू लैन से कहते हैं कि हम सबको डिनर पे चलना चाहिए, जिसके लिए लैन भी हाँ कर देती है। आरन थोड़ी सी अपसेट होती है क्योंकि उसे अब जाने में और भी ज्यादा देर होगी। यहाँ पे यान आरन के मैसेजेस का वेट करता है, लेकिन आरन उसे मैसेज नहीं करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। रात को आरन थक के होटल आती है और डायरेक्ट सो जाती है। यहाँ पे यान उसे मैसेज करता है, लेकिन वो सो चुकी थी इसलिए जवाब भी नहीं देती है। यान घर आके भी आरन के बारे में ही सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आरन उठती है तो वो देखती है कि बहुत ही लेट हो गया है और उसने यान के लिए रात के लिए रेस्टोरेंट भी बुक करके रखा है। उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिस में देखते हैं कि आज शैन का फर्स्ट डे था, जहाँ पे सभी खुद को शैन से इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंग भी शैन से बहुत ही अच्छे से बात करती है। जब ह्यू मैंग से बात करने जाता है तो वो उसे इग्नोर करती है। दरअसल में उस दिन गेम वाली नाइट के बाद ही मैंग ह्यू से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। ह्यू बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंग उसे इग्नोर ही करती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरन का भी काम खत्म हो चुका है, जिससे वो लैन से पूछती है कि क्या मैं वापस जा सकती हूँ, तो लैन भी उसे हाँ कर देती है। यान अभी भी बहुत ही अपसेट था क्योंकि आरन का अभी तक उसे कोई भी मैसेज नहीं आया था। यहाँ पे आरन जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। फिर वो यान को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी प्लान किया था, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। यान को बहुत अच्छा लगता है कि आरन ने उसके लिए सब प्लान किया था, जिससे वो आरन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जब आओगी मैं तब तुमसे मिल लूंगा। आरन उससे कहती है कि मैंने जिस रेस्टोरेंट में सब बुक करके रखा है, एटलीस्ट तुम वहां चले जाओ, जिस पे यान भी अग्री करता है। उसके बाद जब यान वहां से जाने लगता है तो प्रोड्यूसर आके फिर से उससे लड़ाई करने लगती है। यान कहता है कि जो सच होगा मैं वही बोलूंगा, आपकी झूठी स्क्रिप्ट में नहीं बोलने वाला हूं, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठ के आरन का वेट करता रहता है। बहुत देर हो जाती है और उसका केक भी मेल्ट होने लगता है, जिससे वो पास की ग्रोसरी स्टोर में जाकर वहां पे पूछता है कि क्या वो कुछ देर के लिए केक वहां रख सकता है, जिससे ओनर भी उसे परमिशन दे देती है। उसके बाद वो एयरपोर्ट जाता है आरन को लेने के लिए। आरन भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी, तभी वो टैक्सी लेके रेस्टोरेंट में आ जाती है, लेकिन उसे वहां यान नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। जब वो रोक के पीछे मुड़ती है तो वहां पे यान आ चुका था। वो आते ही आरन को हग करता है। आरन भी उसे अपने पास देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। यान उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो। फिर यान उसे वहीं रुकने को कह के जाता है और केक लेके आता है, जिसे देख के आरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यान कहता है कि मुझे पता था कि केक मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पास ही के रेफ्रिजरेटर में रखवा दिया था, जिससे आरन खुश होती है। फिर यान कहता है कि मेरी मदर चाहे कुछ भी बोले, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे नहीं पता कि हमारी शादी कब होगी या नहीं होगी, पर मैं जितना भी टाइम तुम्हारे साथ हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जिससे आरन भी खुश होती है और उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मैंने मेरी लाइफ में प्यार को लेकर कोई भी नहीं रखी थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं फिर से प्यार करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिससे यान बहुत ही खुश होता है। उसके बाद दोनों ही यान का केक कट करते हैं। फिर यान आरन के पास आता है और उसे किस करता है। नेक्स्ट डे यान अपनी मदर से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि आरन और उसके बीच में भले ही एज गैप है, लेकिन वो आरन के बिना नहीं रहना चाहता है, जिससे उसकी मदर कहती हैं कि आरन भी मुझसे मिलने आई थी और मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये जानना था कि तुम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होना, जिस पे यान हाँ करता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर यान की मदर कहती है कि तुम आरन को मत बताना कि वो भी मुझसे मिलने आई थी, जिस पर यान हाँ करता है। अगले सीन में यान घर जाता है, जहाँ पे आरन उसके लिए विंड चाइम लगा रही थी। उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है, इन दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में आरन भी यान की मदर के पास आई थी। इन दोनों की बातें देख के पता चलता है कि दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए हैं और यान की मदर आरन को एकदम डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरन अपने पेरेंट्स के घर वेकेशन के लिए गई है, जिससे यान घर में बहुत ही अकेला हो गया है और उसने ह्यू को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाया हुआ है। ह्यू भी यहाँ पे सिर्फ मैंग के बारे में ही बात करता है कि मैंग कैसे उससे बात नहीं कर रही है और उसे इस चीज का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। यान समझ जाता है कि ह्यू को मैंग पसंद है। मैंग भी ये रियलाइज कर लेता है और वो ह्यू के पास जाता है, जहाँ पे ह्यू बॉक्सिंग कर रही थी। फिर वो मैंग के साथ बॉक्सिंग करने लगता है, लेकिन मैंग उसे इसीलिए हरा देती है और फिर वहां से चली जाती है। यहाँ पर वो घर आता
आता है और यान को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। यान कहता है कि तुम्हें फिर से मैंग के पास जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए। अगली बार जब वो फिर से मैंग के पास जाता है तो वहाँ पे एक और आदमी आया हुआ था जो ह्यू को बॉक्सिंग करने के लिए कहता है। मैंग को ऐसा लगता है कि ह्यू उसके साथ फाइट नहीं करेगा, लेकिन ह्यू उसके साथ फाइट करने के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन वो आदमी उसे मार के नीचे गिरा देता है, जिससे मैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर यान को आरन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो आरन के घर जाने का डिसाइड करता है। वो आरन के बिल्डिंग के नीचे जाके उसे कॉल करता है, लेकिन आरन सो रही होती है। तभी वो बाहर खड़ा खड़ा देखने लगता है। तभी पीछे से एक अंकल आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर चलो। तो वो कहता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। अंकल की एज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यान उनकी हेल्प करता है उनको सामान ऊपर लेके जाने में। अंकल पूछते हैं कि तुम्हारी एज की तो यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भला है कौन? लेकिन जैसे ही वो दोनों अंकल के घर पहुँचते हैं, यान को पता चलता है कि ये तो आरन का घर है। जब आरन की मदर दरवाजा खोलती है तो आरन यान को वहाँ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद आरन के पेरेंट्स यान से बातें करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या काम करता है। यान बता देता है कि वो एक वॉइस आर्टिस्ट है, साथ ही वो बताता है कि उसका टीवी शो भी आने वाला है। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तभी वहाँ पे आरन भी आ जाती है। आरन की मदर कहती है कि चलो तुम मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प करो, जिससे आरन उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाके आरन बताती है कि यान मेरे से 5 साल छोटा है, जिससे उसकी मदर बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्या तुम्हारे लिए ये परफेक्ट रहेगा? तो आरन हाँ करती है। तभी वहाँ पे यान आ जाता है और कहता है कि आरन की हेल्प मैं करूंगा खाना बनाने में, जिससे आरन की मदर वहाँ से चली जाती है। बाहर आरन के पेरेंट्स देखते हैं कि यान और आरन एक दूसरे के साथ कितना ही प्यार से बात करते हैं और इस चीज का उन दोनों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पे आरन के अंकल भी आ जाते हैं, जिससे आरन के पेरेंट्स कहते हैं कि आरन का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करना। उसके बाद जब सब खाना खाते हैं तो सभी को यान के हाथों का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आरन की मदर कहती है कि तुम्हें भी इसी तरह खाना बनाना चाहिए। यान कहता है कि मैं आरन के लिए खाना बना देता हूँ, इसलिए उसे जरूरत नहीं है। उसकी मदर पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? तो आरन कहती है कि नहीं, हमारा घर बस पास में है। उसके बाद आरन की मदर कहती है कि फिर भी तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। यान कहता है कि हमेशा मैं आरन के लिए इसी तरह खाना बनाया करूंगा, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिससे आरन के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब डिनर करने के बाद आरन की मदर उससे पूछती है कि क्या तुम यान के साथ सच में खुश हो? तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे बहुत ज्यादा छोटा है और तुम्हें अपने जैसा कोई मैच्योर लड़का ढूंढना चाहिए? आरन कहती है कि मुझे कोई भी मैच्योर लड़का नहीं चाहिए, मुझे यान के साथ ही अच्छा लगता है, और वैसे भी मैं यान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैंने पहले ही मेरी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने का सोच लिया है, इसलिए मैं बस उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे आरन की मदर खुश होती है। तभी आरन देखती है कि टीवी में यान का ही प्रोग्राम आ रहा है, जिससे वो सभी को बुलाती है और सभी टीवी साथ में देखने लगते हैं। आरन देखती है कि उसके पेरेंट्स यान को टीवी में देख के कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं, जिससे उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं, जो कि ह्यू को दवाई लगा के दे रही थी। ह्यू उससे सॉरी कहता है उसके बिहेवियर के लिए। मैंग उससे कहती है कि तुमने उस आदमी को भी पैसे क्यों नहीं दे दिए, तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत क्या थी? ह्यू कहता है कि मेरी गलती हो गई, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मुझे लगा कि हम कोवर्कर्स हैं, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंग भी कहती है कि मुझे भी तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जिससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ पे आरन देखती है कि यान उसके बचपन की फोटोज देखता है और फिर वो उसे टीज करता है। आरन फोटो मांगती है, लेकिन यान कहता है कि तुम अपने बचपन का फोटो मुझे दे दो, जिससे आरन मना करती है। यान कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मांग लूंगा। आरन कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं देंगे, जिसके बाद यान आरन को टीज करने लगता है और दोनों सोफे पे गिर जाते हैं एंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब दोनों जा रहे थे तो आरन के पेरेंट्स दोनों को ही बाय कहते हैं और यान से कहते हैं कि आरन का ध्यान रखना, जिस पर यान भी हाँ करता है। दोनों जब रास्ते में जा रहे थे तो आरन देखती है कि यान का पोस्टर लगा हुआ है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। यान कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आरन भी खुश होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू एंड मैंग ऑफिस में आते हैं और सबको बता देते हैं कि अब वो रिलेशनशिप में हैं, जिससे सभी उन्हें टीज करने लगते हैं। तभी वहाँ पे आरन भी आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ऐसा कह के उन्हें टीज करने लगती है। उसके बाद सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पे आरन भी बैठ के यान को ही मैसेज कर रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद सभी मीटिंग करते हैं। यहाँ पे यान का भी एक न्यू प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए आरन उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। इन दोनों किस करते हैं,
लेकिन नेक्स्ट डे उसके प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ जाती है। जियांगशान मैनेजर को कहता है कि क्या तुमने नॉवेल के लिए कॉपीराइट नहीं लिए थे, तो मैनेजर कहता है कि कॉपीराइट की बात ही चल रही है। जियांगशान कहता है कि जल्दी से इसे सॉल्व करो नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रियल में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। यान को बहुत ही ज्यादा हेट कमेंट्स आ रहे थे, जिससे यान सबके सामने ट्वीट कर देता है और कहता है कि हमने कॉपीराइट ले लिए हैं। लेकिन जैसे ही वो ये ट्वीट करता है, उसे और भी ज्यादा हेट कमेंट मिलने लगते हैं और सभी इस चीज से और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यान फिर ऑफिस में आके पूछता है कि क्या हमने कॉपीराइट नहीं लिया था, तो मैनेजर कहता है कि हम कॉपीराइट लेने ही वाले थे, लेकिन अचानक से ऑथर पीछे हट गई थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। यान फिर सबसे गुस्सा करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन सब की वजह से आरएन की कंपनी को भी हेट मिलने लगी थी, क्योंकि वहां पर भी हेशाई डबिंग करने वाला था। ये सारे हेट कमेंट्स पढ़ के सभी शॉक रह जाते हैं और आरएन फिर यान के पास जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पे यान देखता है कि उसके हेटर्स उसे बहुत ही सारी उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं, साथ ही उन्हें यान के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है और सभी आरएन को भी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आरएन जानबूझ के पैसों के लिए यान के साथ में। यान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इन सब चीजों से परेशान होकर वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे आरएन आ जाती है और उसे उठाती है और जल्दी से उसे हेडफोन पहनाती है। उसके बाद आरएन उसे घर लेके जाती है, जहाँ पे वो उसे नूडल्स बना के खाने के लिए देती है। यान उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से आरएन की कंपनी का नाम भी खराब हो रहा था। और फिर यान उसे कहता है कि मुझे कुछ देर अकेले रहना है और आरएन को वहां से जाने के लिए कह देता है। आरएन और यान रात भर एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, अपने काम के लिए भी बहुत ही ज्यादा वरिड थे। नेक्स्ट डे जब आरएन ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसे और भी ज्यादा हेट कमेंट मिल रही है, क्योंकि अब उसका रिलेशन यान के साथ सभी को पता चल गया था। आरएन फिर उसे कहती है कि मेरा और यान का रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ कम ही लोगों को पता है, इसलिए जिसने भी ये रूमर फैलाया है वो हमारे जरूर पहचान वाला ही कोई होगा, जिस पर यू भी अग्री करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैन ने मिलने के लिए यान को बुलाया हुआ है और वो यान से कहती है कि मैंने आरएन से पहले ही कहा था कि वो तुमसे डबिंग ना करवाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब देखो तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो तुम्हें काम से भी नहीं निकालेगी और उसकी रेपुटेशन भी कितनी ज्यादा खराब होती जा रही है। यान उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है और चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद जब वो घर जा रहा था तो वो आरएन के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर कंपनी में भी सब यान को लेके बहुत ही ज्यादा वरिड थे, क्योंकि यान उनका फ्रेंड और उससे इतनी ज्यादा हेट कमेंट्स मिल रही थी। आरएन भी जब यान को फोन करती है तो वो फोन रिसीव नहीं करता है। उसके बाद जब आरएन घर जाती है तो वो देखती है कि उसका एंड यान का फोटो भी सबने वायरल कर दिया है, लेकिन उसे पता था कि उस टाइम तो उन दोनों का अफेयर भी नहीं था, जिससे वो और भी ज्यादा वरिड होती है। तभी उसका डोरबेल रिंग होता है और यान आरएन के घर आया हुआ होता है। दोनों एक दूसरे को देख के जल्दी से हग करते हैं। यान आरएन से सॉरी कहता है उसे इतना ज्यादा परेशानी में डालने के लिए। आरएन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर आरएन से पूछते कि मैं तुम्हें अच्छा कैसे फील करवाऊं। यान कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बना दो, जिससे आरएन उसके लिए वही डंपलिंग बनाती है जो उसने फर्स्ट टाइम बनाए थे। यान उसे देखता है एंड फिर उसे हग करता है। आरएन को ये सब चीजें अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट डे जब आरएन उठती है तो यान जा चुका था और उसने अपने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक काम करा था उन सभी से रिजाइन कर दिया था। स्पेशली उसने आरएन की कंपनी से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरएन को कोई भी हेट कमेंट मिले। उसके बाद आरएन जल्दी से यान के घर जाती है, लेकिन यान वहां पर भी नहीं होता है और उसका सामान भी गायब होता है। आरएन यान को कॉल करती है, लेकिन वो फोन भी रिसीव नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यान एंड जियांगशान एयरपोर्ट पे हैं। जियांगशान यान को वहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन यान कहता है कि अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वो आरएन को मैसेज करके कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मैं तब वापस आऊंगा जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा और तुम्हारी रेपुटेशन मेरी वजह से खराब नहीं होगी। आरएन उसके ये सारे मैसेज देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है एंड रोने लगती है। कंपनी में जब सबको पता चलता है कि यान वहां से काम छोड़ के चला गया तो सब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब उनकी कंपनी में डबिंग कौन करेगा। तभी वहां पर जियांगशान आ जाता है और कहता है कि मैं डबिंग करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल में यान ने जाने से पहले जियांगशान से ये फेवर मांगा था कि वो आरएन की कंपनी में डबिंग करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैन एक आदमी से मिलने गई है और उसी के कहने पर शैन ने सबको बताया था कि आरएन एंड यान का अफेयर चल रहा है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जाओ जियान था। और उसी के कहने पर शैन आरएन की कंपनी में काम कर रही थी। यहाँ पे आरएन लान से मिलने गई थी और दोनों आगे की बात कर रहे थे। तभी लान को उसकी बेटी का फोन आ जाता है। उसे बात करते हुए देख के आरएन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। बात करने के बाद लान कहती है कि क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी है। आरएन कहती है कि मुझे तो ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपकी शादी हो गई है। लान फिर आरएन को अपनी बेटी के फोटो दिखाती है, जिसे देख के आरएन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो लान कहती है कि तुम्हें देख के मुझे भी मेरी ही याद आती है, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड का और मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि हम दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी पे फोकस करना था और वो मुझे हमेशा पीछे खींचता रहता था। आरएन लैन की ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर जब वो घर आती है तो वो देखती है कि यान का जो पोस्टर लगाया गया था उसे भी हटा दिया जाता है। तभी वहां पे यू आ जाता है और वो आरएन को अपने साथ राइड देने के लिए कहता है। जब दोनों जा रहे थे तो यू कहता है कि इस ब्रेकअप के बाद तुम पहले जितनी अपसेट नहीं हो। आरएन कहती है कि हां मैं टाइम से खाना
खाना खा लेती हूँ और मैं सही से अपना काम भी कर रही हूँ। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है अजलान ने मुझे ये कहा कि मेरे और आरन का ब्रेकअप इसलिए हो गया है क्योंकि मुझे मेरे काम पे फोकस करना है। यू कहता है कि तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? आरन कहती है क्योंकि वो मुझे बताए बिना ही कहीं चला गया और उसने मुझे कॉन्टेक्ट करना भी जरूरी नहीं समझा, जिससे यू को भी थोड़ा बुरा लगता है। अब आरन अपने घर आती है और वो अपने घर के साथ साथ यान के घर में भी प्लांट्स को पानी देती है। नेक्स्ट डे जब आरन ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि उनके सर्वर को किसी ने हैक कर लिया है और जिससे उनका सर्वर डाउन हो गया है। जिनसेन से पूछती है कि तुम्हारा तो यही क्राइटेरिया है, इसलिए तुम्हें पता होगा ना कि ये हैकिंग किसने करी है। जिससे शैन कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रात को आरन एंड ह्यू साथ में बैठ के बात करते हैं। आरन कहती है कि जल्दी हमें हैकर को ठीक करना होगा वरना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दरअसल वो हैकर उनसे पैसे भी मांग रहा था, तभी वो वापस से उन्हें उनका गेम देने वाला था। यू कहता है कि हम उसे पैसे नहीं देंगे और जल्दी से इन सब चीजों को सॉल्व कर लेंगे। आरन भी उस चीज पे अग्री करती है। जब ह्यू वहाँ से चला जाता है तो आरन यान की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है और उन्हें सुनकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे आरन एंड ह्यू लान की कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर पाई जुन एंड लान उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। आरन कहती है कि मेरा प्लान ये है कि कुछ टाइम के लिए हम सिस्टम को शट डाउन कर देंगे और सिंगल प्लेयर ही चलाएंगे, जिससे पाई जुन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे हम कंपनी में शैन को देखते हैं, जिसे किसी का मैसेज आया था और वो कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, जिससे शैन थोड़ी सी डर जाती है। तभी जिन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहती है। तभी पता चलता है कि हैकर का पता चल चुका है। अब सभी बस उसका आईपी एड्रेस ही पता लगाना चाहते हैं, जिससे शैन थोड़ी सी घबरा जाती है। यहाँ पर आरन सबसे कहती है कि जब तक हम सिंगल प्लेयर पे चलाएंगे तब तक लोग ऑफलाइन खेल सकते हैं, लेकिन पाइजन को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि इससे तो हम अपने बहुत सारे प्लेयर्स भी खो सकते हैं, क्यों ना तुम सर्वर खरीद लो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। आरन कहती है कि मैं सर्वर नहीं खरीद सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा है और अगर हम दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने जाएंगे तो वो हमारे सारे ही शेयर्स खरीद लेंगे और इसीलिए हमें किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं करना है। फिर पाइजन एंड लान ह्यू से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पे क्या कहना है। ह्यू कहता है कि मैं वही करूंगा जो आरन कह रही है, जिससे वो दोनों अग्री करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं, जो कि दूसरी सिटी में आया हुआ था। जब वो अकेले बैठा था तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे आ गए हो। यान उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, तो वो हाँ करता है। फिर वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन तुम्हारे बारे में बहुत ही सारे हेट कमेंट्स पढ़े, मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा है जिसके लिए तुम्हें हेट मिल रही है, लेकिन तुम्हें अपना सारा काम इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए था। यान कहता है कि अभी मुझे काम में फोकस नहीं करना है। वो कहता है कि हमारी कंपनी भी एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन कर रही है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, जिसके लिए यान कहता है कि ठीक है, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरन को कुछ दिन के लिए कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से सभी बहुत ही ज्यादा वरिड थे। तो आरन कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसे वैकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि पाइजन एंड लान का यही कहना है कि मुझे थोड़े दिन के लिए कंपनी में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं घर पे बैठ के सारा ही काम देखती रहूंगी। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर अभी भी जब आरन सोती है तो वो टाइम से उठ जाती है और उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वो बाहर का ही खाना खा रही होती है, तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने घर की बिल्कुल भी सफाई नहीं करी होती है और वो बिल्कुल भी ढंग से खाना नहीं खा रही होती है। फिर वो आरन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, जिस पे आरन कुछ नहीं कहती है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा नूडल्स खाने का मन है। फिर वो जल्दी से उसके लिए नूडल्स बनाते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं। आरन नूडल्स खाते खाते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छे से काम करेगी और जो भी प्रॉब्लम है उनमें से बाहर आ जाएगी, जिस पे आरन भी हाँ करती है। फिर कुछ देर बाद उसके फादर वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते आरन को कुछ पैसे देते हैं। जब आरन पैसे लेने से मना करती है तो उसके फादर कहते हैं तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी केयर करना हमेशा मेरा काम रहेगा, और ऐसा कह के पैसे दे के वहां से चले जाते हैं, जिससे आरन इमोशनल होती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो कि नेचर की आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि हमें अर्जेंट डबिंग की जरूरत है और यान को अपने पास बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान अपने फ्रेंड जिंग से मिलने जाता है, जहां पर जिंग अपने पूरी टीम से यान को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसी की एक फ्रेंड लिन भी वहां बैठी हुई थी। उसे तो यान एक ही बार में बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगती है। उसके बाद वो सभी उसे डबिंग पे लेके जाते हैं। जब यान डब कर रहा था तब तो लिन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है और बहुत ही प्यार से उसे ही देख रही थी। जहां पर जिंग लिन से कहता है कि तुमने बाकी आर्टिस्ट को बुलाया है, उनसे भी हम डबिंग करवा लेते हैं, लेकिन तभी लिन बताती है कि कोई
भी आर्टिस्ट आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यान ये सब कुछ सुनता है और उसे आरन की याद आती है कि आरन के पास भी पहले ऐसे कोई भी काम करने के लिए नहीं था, जिससे उसे लिन और उसकी टीम के लिए बुरा लगता है और वो सबकी रिकॉर्डिंग करने के लिए अग्री हो जाता है। फिर वो रात भर बैठ कर रिकॉर्ड करता है, जिससे तो लिन उसके लिए और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है। मॉर्निंग में लिन उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट लेके आती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन यान कहता है कि मुझे भूख नहीं है और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए लिन देख रही थी, जिससे शिंग उसके पास आके कहता है कि तुम उसे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो। लिन कुछ भी जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं, जो कि यू के पास रेजिग्नेशन लेटर लेके आई थी। यू कहता है कि तुम कंपनी क्यों छोड़ रही हो। शैन कहती है कि बस मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है। यू कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, लेकिन शैन कहती है कि बस मुझे इस कंपनी में अब काम नहीं करना है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, तभी कंपनी के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे रोकते हैं कि तुम इस तरह मत जाओ, लेकिन शैन किसी की भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है, जिससे सब बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। दूसरी तरफ हम आरन को देखते हैं, जो अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे यान का पिलो मिलता है और उसे यान की याद आती है कि कैसे यान ने कहा था कि जब भी उसे याद आए तो वो इस पिलो को लेके हग कर सकती है। वो फिर उस पिलो को साइड में रख देती है और उसके बाद जॉगिंग पे जाती है और आते आते सिर्फ वो यान को ही याद कर रही थी। अगले सीन में आरन के घर पे मैंग आती है और वो आरन को देखती है। वो देखती है कि आरन का घर भी एकदम साफ है और आरन भी नहीं रो रही है, जैसे तो उसे बिलीव नहीं होता कि आरन इस ब्रेकअप को इतने अच्छे से हैंडल कर रही है। उसके बाद आरन कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों बालकनी में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करते हैं। फिर मैंग उससे बताती है कि शैन ने भी कंपनी छोड़ दी है। ये सुन के तो आरन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि हमारी कंपनी में से अभी भी कुछ और लोग जा सकते हैं। मैंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम आगे का काम अच्छे से करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग की कंपनी ने जो एनिमेशन बनाया था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए सभी डिनर पे गए हुए हैं। वहाँ पर सभी यान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन यान इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता है। जिंग बताता है कि मैंने यान को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा है। कॉलेज में भी वो अकेला रहता था, बस उसे लाइब्रेरी जाना बहुत ही पसंद था। वो ऐसा क्यों करता था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने उसके मूवमेंट्स पे देखा था कि वो बहुत ही सारी रोमांटिक चीजें शेयर करता है। लिन कहती है कि मुझे भी वो रोमांटिक चीजें दिखाओ, लेकिन जिंग ऐसा करने से मना कर देता है। सबको बातें करते हुए देख के यान को आरन की याद आने लगती है और वो वहाँ से चले जाता है। यान जब जा रहा था तभी उसे एक लड़की अम्ब्रेला के साथ दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो आरन है, लेकिन जैसे वो उस लड़की का फेस देखता है कि वो तो कोई और ही होती है, जिससे वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम आरन को देखते हैं, जो कि घर पे काम कर रही थी, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी कंपनी के गेम्स को हैक किया गया है और उन सभी में जाओ जियान की कंपनी का नाम आ रहा था, जिससे वो मैंग एंड शैन से मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो कहते हैं कि क्या हुआ। आरन बताती है कि मुझे लगता है कि हमारी कंपनी को जाओ जियान की कंपनी ने ही हैक किया है और उसकी हेल्प शायद शैन ने करी है, मुझे उन दोनों पे ही डाउट है। जिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से इन सब बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो कि अपने घर में था, जहाँ पे सब कुछ उसे ग्लूमी सा लग रहा था। उसे चक्कर आने लगते हैं, तभी आरन इसके पीछे आके उसे हेडफोन पहना देती है, जिससे वो आरन को हग करता है, लेकिन ये सब कुछ उसका एक सपना था। तभी उसके पास जिंग एंड लिन आ जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि उनका एनिमेशन बहुत ही हिट हुआ है और इंटरव्यूअर उससे पूछ रहे थे कि डबिंग किसने करी है। यान कह रहा था कि किसी को भी मत बताना कि वो मैंने करा है। फिर लिन यान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यान का तो ध्यान ही नहीं था। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि यान की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे फीवर है। अब दोनों यान को वहाँ लेटा देते हैं। जब यान उठता है तो वो देखता है कि जिंग वहाँ से जा चुका है एंड लिन उसकी ध्यान रख रही है। यान उसे कहता है कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो, लेकिन लिन मना करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे रह के तुम्हारा ध्यान रखना है। यान कहता है कि ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो लिन कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, जिससे यान शॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान खड़े होकर जाने लगता है, तो लिन उसे कहती है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहती हूँ, लेकिन यान उसे मना करता है। जहाँ पर लिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो यान कहता है कि हाँ। लिन कहती है कि तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। यान इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। जब वो ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है, तभी वहाँ पे यान का फ्रेंड आ जाता है और फिर वो लिन को वहाँ से लेके चले जाता है। लिन कुछ सोचती है, स्माइल करती है, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे घर पे हम आरन को देखते हैं, जो कि यान के साथ के अपने सारे ही मोमेंट्स याद कर रही थी और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही थी। नेक्स्ट डे वो पेजन से मिलने के लिए जाती है। पेजन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें काम के लिए बुलाया है, हमारी कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और तुम्हें पता है कि जल्दी से अगर तुमने ये सब सॉल्व नहीं करा तो तुम्हारी कंपनी को कोई अपने अंडर कर लेगा, इसलिए जल्दी से अपने काम पे फोकस करो। आरन कहती है कि तुम पहले से
चेंज हो गए हो, अच्छा है मुझे तुम काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, जिससे पेजन भी हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में लिन खुश हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो एनिमेशन करा था उस पर बहुत ही अच्छे कमेंट मिल रहे थे, लेकिन यान साइड में बैठा हुआ था, जिससे लिन यान के पास जाती है और कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड है उससे तुम बहुत प्यार करते हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी और तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देती हूँ। तभी यान आरन की फीड देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि आरन ने बहुत सारी नेचर की वॉइस ली है और वो अपने यान के बारे में बताती है, जहाँ पर यान को समझ आता है कि अब आरन उसकी तरह लाइफ जीती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर उसे यू का कॉल आता है, जिससे कहता है कि तुम तो यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमारे गेम को किसी ने हैक कर लिया है और इसके बाद आरन को भी सस्पेंड कर दिया है, जिससे तो यान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सारा ही काम छोड़कर वापस से घर आने का डिसाइड करता है। उसका फ्रेंड उसे फोन करके पूछता है, लेकिन यान कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो उसका फ्रेंड भी खुश हो जाता है कि फाइनली यान अपने पुरानी लाइफ में वापस जा रहा है। यहाँ पे आरन वही एनिमेशन देखती है और वो डबिंग देख के ही समझ जाती है कि ये यान ने करी है, जिससे वो खुश होती है कि एटलीस्ट यान कुछ काम तो कर रहा है। फिर वो यान के घर जाती है, साफ सफाई करने लगती है, जहाँ पर उसे स्टार लवर कॉमिक मिलती है और फिर उसमें उसे बुकमार्क मिलते हैं, जिससे उसे याद आता है कि यान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे आरन कॉलेज में बुकमार्क के थ्रू बात करती थी एंड दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, और उसे समझ नहीं आता कि यान ने ये सब बातें उसे क्यों नहीं बताई थी। तभी वो देखती है कि यान आ गया है। आरन उसे कहती है कि तुम मुझे पहले से जानते थे। यान उसे देख के हग करता है और उसे सॉरी कहता है पहले ये सब ना बताने के लिए। वो कहता है कि मेरी स्कूल में हिम्मत नहीं होती थी तुमसे बात करने के लिए, तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी और इसीलिए मैं हमेशा बुकमार्क के थ्रू तुमसे बात करता था। फिर अचानक से एक दिन तुम पता नहीं कहाँ चली गई, सालों बाद जब तुम मुझे मिले तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए, इसलिए मेरी भी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ बताने की। फिर वो उसे सॉरी कहता है, उसने इतना मैच्योर हरकत करी और उसे छोड़ के चला गया। आरन कहती है कि मुझे तो ये डर था कि मेरी वजह से तुम अपना सारा ही काम छोड़ के चले गए, तुमने हमारे प्यार को इतना ऊपर रखा इसलिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। यान कहता है कि बस मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, जिससे दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान उठता है तो वो देखता है कि आरन सो रही है, जिससे उसे सोने देता है एंड बाहर जाता है एंड रिकॉर्डिंग करके अपनी एंड आरन की सारी स्टोरी बताता है कि कैसे कॉलेज में दोनों कॉमिक के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे और हमेशा एक दूसरे की छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बताते थे। यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि हेशा जो नाम था वो भी आरन ने ही उसे सजेस्ट किया था, इसलिए उसने ये नाम रखा था। और जब आरन कॉलेज छोड़ के चली गई थी तो उसने डिजास्टर स्टार लवर कॉमिक को भी खरीद लिया था और उसी के थ्रू हमेशा उसे याद किया करता था। अब नेक्स्ट डे जब आरन ऑफिस के लिए जा रही थी तो उसे लेने के लिए ह्यू आया था। वो उससे पूछता है कि आज तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। आरन तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर वो ह्यू से बताती है क्योंकि मेरा यान वापस आ गया है, जिससे तो ह्यू भी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ से यान भी जियांगशान से मिलने के लिए जाता है। जियांगशान भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि यान अपने पुराने लाइफ में लौट आया है। नेक्स्ट सीन में किसी काम से जिन कहीं जा रही थी, तभी उसे चैन खड़ी हुई दिखाई देती है और उसके पास में जाओ यान भी होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वो दोनों के साथ में पिक्चर ले लेती है एंड आरन को भेजती है और कहती है कि मैंने इन दोनों को साथ में देखा है, मे बी चैन ही हमारे बीच में वो पर्सन थी जो हमारी सारी न्यूज लीक कर रही थी। आरन कहती है कि अब इस बारे में किसी को मत बताना। अगले सीन में आरन एक आदमी से मिलने जाती है जो भी गेम डेवलपर था। वो बताता है कि मैंने भी एक गेम डेवलप किया था, तुम्हारी तरह मेरा भी गेम बहुत ही फेमस हुआ था, लेकिन अचानक से ही एक दिन किसी ने उसे हैक कर लिया। फिर उसने हमसे पैसे मांगे, हमने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके बाद वो कुछ कुछ टाइम में हमारा गेम हैक करता रहता था और फिर बार बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता था। जब हमने उसे इन्वेस्टर बनने दिया तो उसके बाद उसने हमें ही हमारी कंपनी से निकाल दिया। आज मेरे गेम के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि उसे मैंने ही डेवलप करा है। आरन को ये सब कुछ सुन के बुरा लगता है क्योंकि अभी उसकी कंपनी भी इसी सब चीजों से गुजर रही होती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि जावयान के पास होती है। जावयान उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम्हें आरन के और भी ज्यादा क्लोज जाके और चीजें पता करनी है। लेकिन चैन कहती है कि मुझे आपका कोई भी काम नहीं करना है और मैं यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन देने के लिए आई हुई हूँ। दूसरी तरफ हम आरन को देखते हैं जो कि कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसके पास चैन आती है और उससे बात करती है। आरन कहती है कि तुम ही हो ना जिसने जावयान को सब कुछ बताया था, जिस पे चैन हाँ करती है। आरन कहती है तो तुम वापस यहाँ पे क्यों आई हो, जिससे चैन कहती है क्योंकि तुमने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा और तुम लोग हमेशा मेरे काम की तारीफ करते थे और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिस पे आरन कहती है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारी कंपनी में काम कर सकती हो, तो चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आरन घर जाती है, जहाँ पे यान कॉपीराइट को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट था। आरन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, डबिंग वालों ने अगर कॉपीराइट नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम अब अपना काम करो, तभी लोगों को समझ आएगा कि तुम गलत नहीं थे, जिससे यान उसे किस करता है। तो आरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
होती है और उसे अपने लिए खाना बनाने के लिए भी कह देती है। रात को जब ब्यान अपना शो रिकॉर्ड करने वाला था तो उसे डर लगता है कि उसके फैंस अब उसका शो देखना पसंद भी करेंगे कि नहीं करेंगे। आरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे ही फैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बस अपने दिल में जो भी बातें हैं वो जल्दी से रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को बता दो। उसके बाद वो अपना शो रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो सभी उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो वापस आ गया था। जब शियांगशान उसे कहता है कि आज के बाद कभी इस तरह हमें छोड़ के मत जाना, जिस पर यान भी हाँ करता है और कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ हम आरन को देखते हैं, जब वो काम कर रही थी तभी उससे चैन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आरन चैन से मिलने जाती है। चैन आरन से सॉरी कहती है क्योंकि उसी ने जाओ यान को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आरन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर हमें उन्हें सू करना होगा तो क्या तुम हमारा साइड लोगी, जिस पर चैन हाँ करती है। आरन कहती है कि तुम्हारे जितनी अच्छी एम्प्लॉई हमारी कंपनी में और कोई नहीं थी, और अगर तुम चाहो तो वापस से हमारी कंपनी में कभी भी आ सकती हो। जिससे चैन कहती है कि मैं वापस से कंपनी में काम करना चाहती हूँ, तो आरन उसे वापस से जॉब दे देती है। दूसरी तरफ हम शियांगशान को देखते हैं जो कि रोज रोज रिन से मिलने के लिए कंपनी में आ जाता था। ये चीज उसका कॉलीग भी नोटिस करता है और वो शियांगशान से पूछता है कि तुम यहाँ रोज रोज क्यों आते हो। शियांगशान कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का माहौल अच्छा लगता है, इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद है। उसके बाद जब सबका काम खत्म हो जाता है, सब जाने लगते हैं, तो शियांगशान रिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, तो वो कहती है कि नहीं आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, और ऐसा कहकर चली जाती है। जहाँ पे रिन को समझ नहीं आता है कि शियांगशान उसे लाइक करने लगा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यान आरन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके हाथ में रोज होता है। तभी आरन वहां आ जाती है जिसे वो रोज छुपा देता है। फिर वो आरन से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करें। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं जहां पे यान आरन को किस करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरन फिर से यान के पास आता है, किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आरन उसे मना करती है क्योंकि उसने गार्लिक खाया था, और फिर ऐसा कहकर उसे दूर भागने लगती है। फिर भी यान उसे पकड़ता है, जबरदस्ती किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान के ऑफिस में वही वुमेन आई थी जिसने उन्हें कॉपीराइट दिया था, और सभी बैठ के मीटिंग करते हैं जहाँ पर वो अग्री कर लेती है कि वो कॉपीराइट हटा देगी, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। फिर शियांगशान मैनेजर से कहता है कि तुम ही हमेशा हमारे मैनेजर रहोगे, बस अब की बार तुमसे ऐसी गलती ना हो इस चीज का ध्यान रखना, जिस पे मैनेजर भी हाँ बोलता है। यहाँ पे आरन भी अपने कॉलीग से मिलने जा रही होती है जहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा वरिड होते हैं। आरन फिर सबसे मिलने जाती है जहाँ पर बताती है कि हमारी कंपनी पर जानबूझकर किसी ने हैक किया गया था, और ये हमारे साथ नहीं बल्कि और भी सारी कई कंपनीज के साथ हुआ है, इसलिए मैं सभी कंपनीज के साथ मिलकर उन लोगों पे केस करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे गेम को हैक किया है, और इसके लिए मुझे तुम सबकी हेल्प की जरूरत है। जिससे सभी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे आरन भी खुश हो जाती है। फिर आरन एंड मैंग साइड में बैठे हुए थे। आरन बताती है कि मुझे लगता है कि यान मुझे प्रपोज करने वाला है, मैंने सुबह उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा था। जहां पर मैंग कहती है कि मुझे लगता है कि यू भी मुझे प्रपोज करने वाला है क्योंकि मैंने उसे रिंग शॉप में देखा था, जिससे आरन थोड़ी सी अपसेट होती है। फिर आरन घर आ रही होती है तो यू उसे कहता है कि तुम अपसेट क्यों हो, हम सारा काम बहुत अच्छे से करेंगे और सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आरन एंड यू बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और सभी को जमा करते हैं जिन्हें केस के लिए उनकी जरूरत होती है। सभी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हम यान को भी देखते हैं जिसकी कंपनी में भी काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रहा था। अब यू आरन को घर छोड़ने के लिए आता है जहाँ पे यान उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, जो देख के यू को बहुत ही जलन होने लगती है, जिससे यान एंड आरन जान बुझ के उसे और भी ज्यादा टीज करने लगते हैं, जिससे वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यान आरन से बताता है कि हमारा कॉपीराइट का इशू भी क्लियर हो चुका है, साथ ही हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, जिससे आरन यान के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे ठंडी लग रही थी इसलिए यान उसे अपना जैकेट पहनाता है और उसे गोद में उठा के वहां से ले जाता है। ह्यू फिर मैंग के पास जाता है, मैंग कार में बैठती है तो ह्यू कुछ लेने जाता है, जहां पर मैंग को एक बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर रिंग थी, जिससे वो खुश हो जाती है कि ह्यू उसे प्रपोज करने वाला है। ह्यू के आने से पहले वो उस रिंग को छुपा देती है। ह्यू आके उससे पूछता है कि तुमने ये बॉक्स तो ओपन नहीं किया ना, जिस पर मैंग मना करती है। अगले सीन में हम आरन एंड यान को घर पे देखते हैं। अब आरन को वॉशरूम जाना था तो वो अपने घर जाने लगती है। यान कहता है कि मेरे घर में भी वॉशरूम है, तो आरन कहती है कि नहीं मैं तो मेरे घर में जाऊंगी। यान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद आरन घर जाती है एंड मैंग को कॉल करके कहती है कि मैं अभी शादी के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी यान के घर पे वॉशरूम भी नहीं जा पाती हूँ, और अगर हम साथ में रहेंगे तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होगा। मैंग कहती है कि इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, जब तुम साथ में रहने लगोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आरन यान के घर शिफ्ट हो जाती है एंड अपना सारा सामान भी वहाँ ले आती है, जिससे यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आरन से कहते हैं कि तुम्हें अब से मेरा सारा ही खाना बनाना पड़ेगा, यान जिस पे हाँ बोलता है। फिर यान कुछ काम कर रहा था तो आरन बहुत ही अच्छी शर्ट पहन के उसके सामने आती है, लेकिन यान उसे देखकर भी अनदेखा करता है, जिससे आरन कंफ्यूज होती है एंड उसके पास आती है। फिर वो बुक हटा के यान की गोद में बैठ जाती है और फिर उसके बाद वो यान को किस करती है। यान फिर उसके क्लोज आता है एंड किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आरन उसे रोकती है, वहां से चली जाती है, जिससे यान भी उसके पीछे पीछे जाता है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं कि सभी कॉलीग बैठ के आरन का ही इंटरव्यू देख रहे थे, जहां पर उसने कैसे यानजे ग्रुप के ऊपर केस किया था इसके बारे में बता रही थी और कह रही थी कि हम
अपने कॉपीराइट्स ले लेंगे और अपने गेम को जो हैक किया है उससे भी बचा लेंगे, जिससे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आरन वापस से कंपनी में आ चुकी है, क्योंकि उसका सस्पेंशन खत्म हो गया है और वो कंपनी में सभी का वेट कर रही है। जब सब आते हैं तो सभी उसे इग्नोर करते रहते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिससे आरन को बुरा लगता है कि किसी को उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सब उसे सरप्राइज देते हैं और उसके लिए केक एंड बैनर लेके आए थे, जिससे आरन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सब उसे कहते हैं कि आपको क्या लगा, हम आपका आना भूल जाएंगे, आप यहाँ आई हो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी, जिससे आरन भी बहुत खुश हो जाती है। फिर आरन कहती है कि सिर्फ मैं आज अकेली यहाँ नहीं आई हूँ, एक और पर्सन है जो यहाँ आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चैन आ गई है। सभी चैन को देख के बहुत ही सरप्राइज रह जाते हैं। चैन ने अपना पूरा ही गेटअप भी चेंज कर लिया था, लेकिन फिर सभी चैन को भी वेलकम करने लगते हैं और अपनी टीम में वापस से उसे आने के लिए थैंक यू कहते हैं। साथ ही उसके न्यू गेटअप के लिए सब उसे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिससे चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम राओजियान को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में से निकाला गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। तभी एक आदमी उसके पास आके कहता है कि अब आपको कंपनी में से निकल जाना चाहिए, तो वो अपसेट होकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरन की कंपनी के सभी इंप्लॉयज़ दूसरी कंपनी में गए हुए हैं, जहाँ पर उनका इंटरव्यू चल रहा है और उन्हें पूछा जा रहा है कि क्या वो अपनी कंपनी छोड़ के हमारी कंपनी में आने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें आरन के साथ काम करना अच्छा लगता है। यहाँ पे आरन अपने पुराने दिन याद कर रही थी कि कैसे उसने एक एक एम्प्लॉई को अपने हैंड पे किया था और सभी को बहुत ही नीचे से वो ऊपर लेके आई थी, इसलिए उसके सारे एम्प्लॉयज़ उसके लिए कितने ही ज़्यादा लॉयल हैं। जब उसने अपनी सारी टीम जमा कर ली थी तब वो यू के पास गई थी और उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था। पहले तो यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए अग्री नहीं था, लेकिन फिर आरन ने उसे समझाया कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी होगी, जिससे यू इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक छोटी सी ऑफिस भी सबको दिखाता है, जहाँ से सबने काम चालू किया था। आरन ने बहुत ही मेहनत करी थी इस कंपनी को बनाने के लिए और एक एक एम्प्लॉई के साथ उसके बहुत ही अच्छे अच्छे रिलेशनशिप थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि आरन के एम्प्लॉई जो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे वो सभी वहाँ से ना करके आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर आरन अपनी ऑफिस जाती है तो मैंग उसे एक ईमेल दिखाती है, जहाँ पर मैंग को दूसरी कंपनी ने 3 गुना सैलरी के साथ इन्वाइट किया होता है, जिससे आरन अपसेट हो जाती है। सारे एम्प्लॉई बताते हैं कि हमें भी ऐसे ईमेल आए हैं और दूसरी कंपनी हमें 3 गुना ज़्यादा सैलरी देके अपनी कंपनी में लेना चाहती हैं। आरन अपसेट होती है और उनसे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, जहाँ पे सब आरन से कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको क्या लगा हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, जब हमें किसी ने भी चांस नहीं दिया था तब आप ही वो पर्सन थी जिन्होंने हमें चांस दिया था और अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया था, तो जब अब हमारी बारी आई है तो हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जिससे आरन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में आरन घर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि यान का अपनी प्रोड्यूसर के साथ का वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे प्रोड्यूसर उसे जान पूछ के गलत स्क्रिप्ट कहने को कहती है, लेकिन यान मना कर देता है, जिस वजह से यान को बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जब आरन यान को ये बताती है तो यान ध्यान नहीं देता है और आरन को हक करता है। आरन कहती है कि अब हम दोनों को अपने काम पे इसी तरह फोकस करना चाहिए, देखो हम दोनों कितने क्लोज भी आ गए हैं, अब तो हम एक घर में रहने लगे हैं और हमारा रिश्ता भी कितना अच्छा हो गया है, जिस पर यान कहता है कि हाँ वो तो सही बात है। आरन कहती है कि कल मैं तो आना को भी मिलने जाने वाली हूँ और उससे बहुत ही सारी रिक्वेस्ट करनी है। यान कहता है कि उससे रिक्वेस्ट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे रिक्वेस्ट करो, जिससे आरन मना करती है तो यान उसे टीज करने लगता है। अब नेक्स्ट डे आरन जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मैं आरन से मिलने आया हूँ, लेकिन सभी लोग उसे अंदर आने से रोकने लगते हैं क्योंकि वो राओजियान ही था। लेकिन आरन फिर उसके पास जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि राओजियान ने पहले से ही आरन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके रखी होती है। फिर वो आरन को रिक्वेस्ट करता है मिलने के लिए, जिससे आरन उसे बाहर ले। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यू यान को बता रहा था कि वो आरन को किस तरह से प्रपोज करे, लेकिन यान को ह्यू का एक भी आइडिया पसंद नहीं आता, जिससे ह्यू इरिटेट होता है। दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं कि आरन से मिलने के लिए राओजियान आया हुआ है। वो आरन से कहता है कि भले ही हमने हैकर अटैक करवाया था, लेकिन प्लीज तुम हम पे केस मत करो वरना मुझे कंपनी में से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आरन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से आरन की कंपनी को बहुत ही पहले ही नुकसान हो गया था, जिससे वो उससे कहती है कि वो केस वापस नहीं लेगी। गुस्सा करके राओजियान वहाँ से चला जाता है। कंपनी के सारे ही लोग ये देखते हैं एंड देन वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे यान के ऊपर जो कॉपीराइट के इश्यूज लगे थे वो भी क्लियर हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि यान की कोई भी गलती नहीं थी, जिससे सभी खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आरन भी यान से मिलने जाती है और यान कहता है कि अब हम अच्छे से रह पाएंगे।
नेक्स्ट डे से यान अपना काम शुरू कर देता है। आरन भी जाती है, रिकॉर्डिंग में बैठती है, जहाँ पे वो याद करती है कि उनकी स्टोरी की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, कैसे वो फर्स्ट टाइम यहीं मिले थे, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद यान भी अपने काम में बिजी हो जाता है। आरन की कंपनी भी जिस केस को लेकर लड़ रही थी वो केस जीत जाती है और उनका गेम वापस से ऑनलाइन आ जाता है, जिससे तो आरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड कंपनी में भी सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। आरन फिर अपने सारे ही पुराने मोमेंट्स याद करती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में आरन एंड यान घर पर बैठे हुए थे, जो कहते हैं कि अब हम अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि दोनों की लाइफ में सब सही चल रहा था। दूसरी तरफ मैंग यू से मिलने गई थी, जहाँ पर यू मैंग से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगी, जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाती है। उसके बाद दोनों यू के घर जाते हैं, जहाँ पे तो मैंग बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है यू के पेरेंट्स तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यू की मदर स्पेशली मैंग को इतना अच्छे से ट्रीट करती है मानो ये उन्हीं की बेटी हो। फिर सब साथ में बैठते हैं, जहाँ पे यू के पेरेंट्स सिर्फ मैंग को ही सारा अटेंशन दे रहे थे एंड यू की तरफ तो ध्यान भी नहीं देते हैं। मैंग भी इन सब चीजों से खुश हो रही थी, क्योंकि फाइनली पता चल रहा था कि यू के पेरेंट्स को मैंग अच्छी लग रही है। फिर यू की मदर कहती हैं कि तुम यहीं हमारे साथ रहो, में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे यू के फादर भी हाँ करने लगते हैं। अब ऐसे यू के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं तो यू बीच में आके बैठ जाता है और मैंग को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे मैंग और भी ज्यादा नर्वस होती है। दूसरी तरफ हम आरन एंड यान को देखते हैं, जो कि ऑर्फनेज में गए हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं। वो उनके साथ बैठते हैं और यान सभी को स्टोरी सुनाता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यू अपने पेरेंट्स के घर था, जहाँ पे सभी लंच कर रहे थे, जहाँ पे यू की मदर कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैंग को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। साथ ही वो यू की भी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसने इतना ही अच्छा काम किया है और मैंग जितनी इतनी अच्छी लड़की अपने लिए पसंद भी करी है, जिससे मैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यू भी इम्प्रेस होता है, क्योंकि फाइनली उनके पेरेंट्स ने उन्हें उनके रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल दे दिया था। दूसरी तरफ हम आरन एंड यान को देखते हैं, जो कि ऑर्फनेज में एक बच्चे के साथ बैठे हुए थे। वो बच्चा यान से पूछता है कि क्या ये वुमन आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो हाँ करता है। वो कहता है कि ये वुमन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो यान हाँ करता है। फिर वो लड़का पूछता है कि आप लोगों ने शादी अभी तक क्यों नहीं करी है, जिससे यान थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, क्योंकि वो आरन को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसे कन्फ्यूजन थी कि आरन उसे हाँ भी बोलेगी या नहीं। घर जाता है और वो रिंग को ही देखता है और सोचता है कि क्या अगर आरन ने उसे हाँ नहीं बोला तो वो क्या करेगा, और बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। नेक्स्ट सीन में आरन एंड यान ब्रश कर रहे थे, तभी यान आरन को अचानक से रिंग पहना देता है, जिससे आरन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो भी उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है, जिससे यान खुश हो जाता है एंड दोनों ब्रश करते हैं। फिर आरन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और रिंग देख के खुश होती है। उसके बाद वो मैंग को कॉल करके इस बारे में बताती है। मैंग पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यान ने आरन को प्रपोज किया है, लेकिन जैसे ही वो रिंग का फोटो देखती है वो शॉक रह जाती है, क्योंकि ये वही रिंग थी जो उसने यू के पास देखी थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यू से प्रपोज नहीं करने वाला है, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यू भी उसे प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरन एक गार्डन में है, जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस पहनी है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और पता चलता है कि ये एक सपना है। यान उसके पास आता है, आरन उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है कि मुझे कभी भी अकेले छोड़ के मत जाना। उसके बाद यान कहता है कि चलो बाहर यू एंड मैंग आए हुए हैं। उसके बाद दोनों ही बाहर जाते हैं, जहाँ पे मैंग कहती है कि तुम्हारी शादी को बस एक मंथ बाकी है और अभी तक तुम लोगों ने कपड़े एंड ज्वेलरी कुछ भी नहीं लिया है, चलो आज हम चलेंगे एंड तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आएंगे। आरन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंग के कहने पे वो अग्री हो जाती है। उसके बाद सभी शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही प्रिटी वेडिंग ड्रेस थी। आरन एंड मैंग तो वो देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैंग एंड आरन आगे जाते। मैंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि आरन एंड वो सालों से फ्रेंड थी एंड अब आरन की शादी होने वाली थी। उसे लग रहा था कि अब उनकी फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रह पाएगी, लेकिन आरन कहती है कि भले ही मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम हमेशा मेरी नंबर वन गर्ल रहोगी, हमारी फ्रेंडशिप में कोई भी चीज अलग नहीं होगी, जिससे मैंग खुश हो जाती है। अब बाहर यान आरन का वेट कर रहा था, तभी आरन बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस पहन के आती है, जिससे यान उसे देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, जहाँ पे उनका फोटो भी लिया जाता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो कपड़े चेंज करने जाती है, जहाँ पर मैंग भी दूसरी वेडिंग ड्रेस देख रही थी। यान फिर यू से कहता है कि तुम उसे प्रपोज कब करोगे। यू कहता है कि मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा है। नेक्स्ट सीन में सभी लंच पे जाते हैं, जहाँ पे सभी वेडिंग के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ पर मैंग कहती है कि हम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चाइनीज सेरेमनी प्रिपेयर करेंगे, जिससे आनन यारन बहुत ही खुश होते हैं। और आरन कहती है कि मुझे पता है कि हमारी वेडिंग में बस एक वीक ही बाकी है, लेकिन मैंने सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर दी हैं, जिससे सभी खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान ने फिर से अपने पॉडकास्ट का काम शुरू कर दिया है और आज उसकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। उसके सारे ही फैन उसकी आवाज़ सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कि सब उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे हम आरएन को देखते हैं जहाँ पे वो कंपनी में सभी को सैलरी देती है, लेकिन उसी के साथ साथ सभी को बोनस देती है क्योंकि उनकी कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल किया था, और सभी को थैंक यू बोलती है उसके साथ रहने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में यान आरन को लेकर कहीं जा रहा था। दोनों उसी कॉलेज में पहुंचते हैं जहाँ पे वो मिले थे और साथ ही में वहाँ पे वेडिंग की फोटोशूट करवाने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यान आरन से कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें इसी कॉलेज में देखा था और तुम जब पहले जैसी थी वैसी की वैसी अभी हो, तुम्हें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं और मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिससे आरन खुश होती है। यहाँ पे कंपनी में यू सभी को वेडिंग इन्विटेशन देता है जिससे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वही सेम वेडिंग इनविटेशन लाना को भी गया था जिससे वो भी बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे यान आरन के बाल सुखा के देता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करने वाले हैं, जिससे आरन भी खुश होती है। नेक्स्ट डे दोनों ही वेडिंग के लिए तैयार होने लगते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जहाँ पे सभी लोग आए हुए थे और वेडिंग एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंग भी यू पर गुस्सा करती है क्योंकि वो कोई भी काम सही से नहीं कर रहा है। सभी लोग इंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ से आरन एंड यान आते हैं जिन्हें देख के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को वाउस कहते हैं और एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं एंड देन किस करते हैं। दोनों की शादी से सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर आरन अपना बुके थ्रो करने की जगह जाके उसे मैंग को देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अगली शादी तुम्हारी हो। तभी पीछे से यू आता है जो सभी के सामने मैंग को प्रपोज कर देता है। मैंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। उसके बाद सभी वेडिंग एंजॉय करने लगते हैं एंड साथ में फोटोशूट भी करवाते हैं, और इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगली कई सारी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।